स्टार्ट नाउ। अब स्क्रीन शेयर करिए, बात हो गया। ओके थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार। आज हम न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एपीआई इसके बारे में आपको पूरा विस्तृत जानकारी बताएंगे, किस तरीके से इसकी एजुकेशन है, इसमें हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है और हम लोगों के किस तरीके से अपॉर्चुनिटी का लाभ इसमें मिलता है। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का नया आर्थिक विकास। आज आप बहुत ही नया नया चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताया जाए ताकि आप लोग जानकारी लेकर के अपनी टीम को बता पाएं। बहुत सारे जानकारी जैसे कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे कैश फ्लो कोडिरेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में न्यू के मिशन विजन पे बात करेंगे, हाउ टू बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में हाउ टू क्रिएट ए सक्सेसफुल बिजनेस विद द कंपनी इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में न्यूज एंड प्रमोशन इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से मेरा सब्जेक्ट रहेगा आज का। और साथ में सेकेंड पार्ट में हमारे साथ में बहुत ही बेहतरीन लीडर जो जबर सिंह आएंगे, उनका बिजनेस ट्रेनिंग होगा और उनका मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के बारे में, उसका मॉडल किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में वो विशेष जानकारी देंगे आप लोगों को, साथ में कंपनी के गोल और मिशन के बारे में वो चर्चा करेंगे, करियर लीडर लीडर इस पे चर्चा करेंगे, बोनस प्लान पे ही डिस्कशन करेंगे, साथ में कंसल्टेंट स्टेटस और वेयर लुक क्लाइंट्स यू नीड टू स्टार्ट लाइविंग द लाइफ ऑफ ड्रीम थ्री मंथ्स इस तरीके से कैसे पूरा करेंगे 3 मंथ में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा और इसी सब्जेक्ट पे हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। बताने से पहले कंप्लेंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर में आते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे अनुपालन अस्वीकरण के बारे में। सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्लान बताएं, जहां भी मीटिंग करें, ये डिस्क्लेमर को जरूर बताएं, क्योंकि जब आप डिस्क्लेमर इसको बताते हैं तो आगे जो भी मेंबर सुनेंगे वो सुनने के बाद उनका विचार होगा और उनके विचार के अनुसार ही काम होगा। तो सबसे पहले इसको जरूर, जब भी आप मीटिंग लें, जब भी वेबिनार करें, इसको जरूर सुने अरे बताएं, ताकि लीडर इसको समझ करके अपने टीम को भी इसी तरीके से बताएं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ईआईपी, क्योंकि आने वाले जितने भी अभी मैं बताऊंगा उसमें शॉर्ट फॉर्म कभी कभी यूज होगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ईआईपी मैं बोलूँगा तो एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट उसको बोलूंगा शॉर्ट में, MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, CRU यानी क्रिप्टो यूनिट, इंटरनल पॉइंट ऑफ टोकन भी इसको बोल सकते हैं डिजिटल। तो सबसे पहले इसको आपको नोट करना चाहिए जो यहाँ पे डिस्क्लेमर में है, इसको नोट करके आप रख सकते हैं या अपने टीम को भी बता सकते हैं जब करेंगे। हम किसी तरीके का शेयर या टोकन नहीं बेचते हैं। आप इंग्लिश यहाँ देख सकते हैं, वी डू नॉट सेल एंड नॉट हैव द लाइसेंस एंड सेल शेयर और टोकन। मैं डायरेक्टली हिंदी इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, ताकि आप तो ऑलरेडी डिस्प्ले इसमें देख ही रहे हैं इसके माध्यम से, यानी हम किसी भी तरह का शेयर या टोकन नहीं बेचते हैं और हमारे पास इसका लाइसेंस नहीं है। वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए सभी देशों के अपने नियम होते हैं, और हम अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। अधिकांश देश विशेष लाइसेंस के बिना सूचना उत्पादों की बिक्री की अनुमति देते हैं। हम वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। हम लोगों के अपॉर्चुनिटी देते हैं जो मूलभूत सिद्धांतों को प्रदान करता है, जिस पर धन सृजन
और रख रखाव होता है, हम वित्तीय या निवेश परामर्श सलाहकार नहीं देते हैं। कृपया अपना स्वयं का देह परिश्रम करें, यानी खुद का निर्णय लें, या अपने लाइसेंस प्राप्त लेखाकार या वित्तीय सलाहकार की पुष्टि करें। मतलब सलाहकार से ही जानकारी लेकर के आप अपना पुष्टि कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। अपने देश और अपने राज्य के जितना अनुशासन होता है उनका पालन करना चाहिए, उनका पालन करें। इस तरीके से डिस्क्लेमर है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। और अपना वेबिनार शुरू करने से पहले बहुत सारे लीडर पहली बार हमारे वेबिनार में आए होंगे, तो उनको परिचय के माध्यम से बताना चाहूँगा। मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मैं अभी कंपनी में प्रेसिडेंट फॉर द पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी, अभी ऑलरेडी प्रेसिडेंट पोस्ट पे हूँ, और ग्लोबल लीडरशिप काउंसिलिंग मेंबर, अभी लीडरशिप काउंसिलिंग मेंबर भी हूँ ग्लोबल। मास्टर प्रोफी ग्रेजुएट 1 और 2 मास्टर प्रोफी की ट्रेनिंग होती है, उसको भी मैंने दोनों किया हुआ है। साथ में डायरेक्टर ऑफ मास्टर प्रोफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है मास्टर प्रोफी के नाम से, उसके डायरेक्टर पोस्ट में हूँ। साथ में ग्रेजुएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट किया है, और को ओनरशिप ऑफ CRU क्लब और मेंबर ऑफ VIP क्लब। इस तरीके से मेरा छोटा सा परिचय रहा। और डायरेक्ट अब अगले इस पे आते हैं। आज का जो मीटिंग का कुछ इस तरीके से हमारे पास रहेंगे, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, फर्स्ट पार्ट मीटिंग, इसमें इन्वेस्टमेंट थिंकिंग इसके बारे में बताएंगे, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, रोल ऑफ द फाइनेंस लिटरेसी इसके बारे में चर्चा करेंगे, VIP क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, बोनस फॉर द पार्टिसिपेंट ऑफ क्लब, ग्लोबल CRU पोर्टफोलियो, किस तरीके से ग्लोबल पोर्टफोलियो का लाभ हम लोग ले सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग इसके बारे में चर्चा होगा, MLCI बिजनेस ट्रेनिंग फॉर पार्टनरशिप, और न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसके बारे में, व्हाट इज न्यू क्या है, प्लान ऑफ द कंपनी और कंपनी के किस तरीके से प्लान है, और सेकेंड पार्ट का जब मीटिंग होता है, यानी हम लोगों के अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन के माध्यम से कंपनी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अभी हम लोग कंपनी के घर बैठे जानकारी ले रहे हैं। आप जो भी बिजनेस या जो भी काम करते होंगे, अपने उसी काम को करते हुए भी घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप या कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से आप सुनने को मिल रहा है आपको, तो बहुत अच्छा आपको समय बचत कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा माध्यम है। और इसी माध्यम का देखते हुए कंपनी ने बुध मंगलवार और गुरुवार 2 दिन ट्रेनिंग देने का, मीटिंग देने का फैसला लिया है। वर्ल्ड वाइड होता है, ऑलरेडी 11 भाषाओं में होता है, आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं उस भाषा में आप आज के दिन अवेलेबल हैं। तो मंगलवार के जो होता है बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन, उसके बारे में बताया जाता है, और गुरुवार के होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएशन एंड बिजनेस, इसके बारे में बताया जाता है। तो दोनों दिन होता है, और साथ में ऑफिशियली जो मीटिंग हम लोगों का होता है कंपनी का, शनिवार के दिन। तो आप ये सब जानकारी लेकर के आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं, अपनी टीम को भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ताकि सभी लोग एजुकेट हो सके, जानकारी ले सके। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसकी शुरुआत 2011 में हुआ है। ऐसे एक ऐसा सिस्टम है एक मिनट स्लाइड में टेक्निकल थोड़ा सा वो आ गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सही करने के लिए। हाँ, इसकी बात कर रहे थे, इसकी शुरुआत 2011 में हुआ है। आज समझ सकते हैं 2020 चल रहा है, उस हिसाब से आज 9 साल हो गया, तो समझ सकते हैं कि 9 साल का सफर किस तरीके से रहा। आज कंपनी के बाद बहुत सारा अचीवमेंट है, लेकिन जब शुरुआत हुआ था 11 में, उस समय किस सोच के साथ हुआ होगा ये समझिए, मानना पड़ेगा। उस समय कंपनी के जो CEO हैं आंद्रे होरातोस, उनका ये विजन था कि उसी समय से डिसाइड कर लिए थे, क्योंकि उससे पहले वो उन्होंने अपने लाइफ में जहां जहां
मतलब फेल जब जब होते थे उस पे एक उसको नोट करके रखते थे और हमेशा उसको नोट करके रखते थे कि हम इसमें फेल हुए, अब क्यों फेल हुए, उसको जो गलती होता था उस गलती को दोहरा नहीं, कभी नहीं दोहराते थे, उसको नोट करके रखते थे ताकि दोबारा उस गलती को ना दोहरा सकूं। तो इसी चीज को करते हुए उन्होंने एक बुक लिखे जो एटोल के नाम से काफी फेमस हुआ। और इसके बाद इन्होंने विचार किया कि हम इसी बात को, जो चीज हम कमी है और लोग ऐसा गलती ना करें जिस तरीके से मैंने अपने गलती कर करके यहाँ तक पहुंचा है, इस तरीके से लोग गलती ना करें। देखिए कोई भी चीज सीखने के दो माध्यम है, एक तो माध्यम है कि आप सीखे हुए व्यक्ति से सीखिए तो कम समय में उसको सीख सकते हैं, और दूसरा माध्यम है आप खुद गलती करते जाइए फिर सीखिए, फिर गलती करिए फिर सीखिए, ऐसे करते करते हो सकता है कि आपको काफी समय लग जाए। ऑलरेडी आधा लाइफ तो चली जा रहा है, आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल 70-80 ही एवरेज रह गया है लाइफ का, तो ऐसे ही आधा लाइफ ऐसे ही एजुकेशन और सारे चीजों में खत्म हो जाती है और आधा लाइफ बचता है, हो सकता है कि उसमें अपना नए नए चीजों को करते करते समय उसमें काफी व्यतीत हो जाएगा और नया चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सीखे हुए कुछ धुरंधर या तो अनुभवी लोगों के साथ में आप उसको कम समय में सीखेंगे तो हो सकता है कि आपका समय बचत होगा और आपके जो सपने हैं, जो लाइफ है, वो आपको कम समय में पूरा उसको कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इसी विजन के साथ इन्होंने शुरुआत किया और कंटिन्यू इस काम, इस एजुकेशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाना शुरू कर दिए। तो ग्लोबल पोर्टफोलियो 9 साल का कंपनी का इसमें आज की डेट पे हो चुका है और यहाँ पे एक कुछ दिन पहले का डाटा है 13,55,000 है, ऑलरेडी अभी लगभग 15 लाख समथिंग होने को है टोटल वर्ल्ड वाइड। तो ऑलरेडी 175 कंट्री में पूरे इस एजुकेशन को लोग ले रहे हैं और इसमें 23 साल से अधिक के भी काफी अनुभवी एक्सपीरियंस वाले इसमें एजुकेशन देते हैं, जो अपने खुद लाइफ को बदल चुके हैं, अपने लाइफ में काफी बदलाव कर चुके हैं, वो अपना अनुभव के साथ में इस कंपनी के एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। वर्ल्ड वाइड होता है, सभी भाषाओं में होता है, आप जिस भाषा में सीखना चाहते हैं उस भाषा में आपके लिए उपलब्ध होगा। साथ में इसमें जितने भी इसमें फाइनेंशियली साथ में एजुकेशन पूरा ग्रोथ करने का मौका, पर्सनली ग्रोथ करने का मौका मिलता है और रियल केस स्टडी है ये, मतलब ये कोई किसी तरीके से मतलब इतिहास तो नहीं बोल सकते उस टाइप में कि जो कहना चाहिए कि जो कहना चाहिए कि जो रियल लाइफ में ना हुआ हो। कुछ जैसे ऐसा होता है, हम लोग बुक में बहुत सारे ऐसे पढ़े होते हैं जो मतलब वो रियल में नहीं होता है, उस टाइप से कभी कभी कुछ चीजों को होता है, लेकिन ये रियल केस स्टडी है। ये आपको ना तो स्कूल में, ना तो कॉलेज में, ना तो यूट्यूब में, ना तो किसी अन्य माध्यम में मिलेगा, ये इसी सिस्टम में मिलेगा, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में ही एजुकेशन आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप बहुत सारा डिग्री लेकर के रखे होंगे, बहुत सारा पढ़ाई आपने किया होगा, बहुत लोगों के मन में रहता है कि मैंने तो काफ़ी डिग्रियां ली है, पूरा डिग्री से भरमार है, मैं मुझे एजुकेशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बताना चाहूँगा उनके लिए कि ये एजुकेशन बिल्कुल ही डिफरेंस है, अलग है। इस एजुकेशन को लेकर के आप अपने लाइफ में किस तरीके से बदलाव करेंगे उसको आप अनुभव नहीं कर सकते, इसी में आके आप अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, मेरा भी सपना था कि बहुत अच्छा करूंगा और अच्छा चल भी रहा था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन जब इसकी एजुकेशन लिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में कुछ मतलब जिस चीज़ की कमी था वो यहाँ पे पूरा हो रहा है और कम समय में मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ भी किया अपने आप को भी और अपने बहुत कुछ नया नया सीखने को भी मिला। तो इसी तरीके से आप भी अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं इस एजुकेशन को लेकर के, अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो सबसे शुरुआत करने से पहले मैं इसमें रॉबर्ट कियोसाकी जी का जो केस फ्लो कोऑर्डिनेट है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हम लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, जैसे वर्किंग और बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर, साथ में इन्वेस्टर। देखिए जैसे वर्किंग और इंटरप्रेन्योर ये सब इसमें वो लोग आते हैं, जैसे दुनिया का 2 भाग बटा हुआ है, दुनिया का 90% लोग जो है मात्र 10% पैसा में ही अपना जीविका चला रहे हैं, उसी में अपना लाइफ चल रहा है। जितना आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लग रहा है कि सारा पूरा लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरा जिंदगी चल रहा है, लेकिन पूरे आबादी का 90% पैसा उनके पास है, मात्र 10% लोगों के पास है। तो क्या ऐसा उन लोग करते हैं कि वो इतना ग्रोथ कर चुके हैं?
उनके लिए है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे वर्किंग में हम लोग जैसे जॉब करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लोग जॉब करते हैं तो 8 घंटे ही काम करते हैं, और 8 घंटे में या तो 10 घंटे चाहे 14 घंटे जो भी करेंगे एक ही आदमी करेंगे, हमारा समय मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। हम जब तक काम करते हैं तब तक पैसे आते हैं, जिस दिन काम करना बंद कर देते हैं हमको पैसे आना बंद हो जाता है। लेकिन जो कहना चाहिए 10% में वैसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी अपने लाइफ में काफी कुछ ऐसा सिस्टम बना दिए रहते हैं कि उनका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी हम लोग 8 घंटे करते हैं तो वो कई हजार गुना घंटे काम करते हैं, इसलिए वो काफी समय के अनुसार चलते हैं और अच्छा उनका पैसे उनके लिए काम करता है। जैसे हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं और उनके लिए पैसे काम करता है, तो ऐसा सिस्टम बना के रखे हुए हैं। इस तरीके से इसको हम लोग डायरेक्टली छलांग नहीं मार सकते, जैसे हम लोग वर्किंग है जॉब में है तो डायरेक्टली मिनिस्टर नहीं बन सकते, उसके लिए भी एजुकेशन लेना पड़ेगा। देखिए हर एक चीज की डिग्री, हर एक चीज के एजुकेशन के लिए एक समय होता है। जिस तरीके से जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, इस तरीके से सिस्टमेटिक महीने का बदलाव होता है, उसी तरीके से इस एजुकेशन में भी आपका बदलाव करना पड़ेगा। यानी आपको उस एजुकेशन से गुजरना पड़ेगा, जब तक उस एजुकेशन से आप नहीं गुजरेंगे तब तक आप उस एजुकेशन को नहीं ले पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास पैसे भी बहुत आ जाए लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट 10% में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एजुकेशन की काफी जरूरत है। मैं भी अभी एजुकेशन इसकी ले रहा हूँ, धीरे धीरे कंटिन्यू अग्रसर हो रहा हूँ उसकी ओर। आप लोग भी इसी तरीके से एजुकेशन लेते हुए अग्रसर हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेसमैन रहते हैं, बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस पे ही डिपेंड रहते हैं, 100% देते हैं तब जा करके रहते हैं, वो अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर जैसे इसमें डॉक्टर इंजीनियर यानी दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, जब तक पेशेंट आते हैं तब तक ये काम होता है। और आते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर में इन्वेस्टर भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर होना चाहिए, जो वाकई में जहाँ पे सही इन्वेस्ट करना चाहिए वहां से ग्रोथ हो सके, वहां से प्रॉफिट हो सके। इस तरीके से ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई बोल दिया वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो अपने उनके लिए पैसे काम करे, उनका पोर्टफोलियो बने, कई पोर्टफोलियो बनना चाहिए, ऐसा कुछ करें कि ताकि अलग अलग सोर्स के माध्यम से उनको इनकम होता रहे और लाइफ टाइम उसका पैसा आते रहे। काम वो करें या ना करें उनके लिए पैसे काम करते रहे, ऐसा सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे इस एजुकेशन को लेकर के आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत पहले का ये चार्ट है, लेवल ऑफ फाइनेंस लिटरेसी क्या साक्षरता का, पूरे वर्ल्ड के साक्षरता दर को लेते हुए इसमें दिखाया गया है। और इसमें कई ऐसे देश हैं जो अपने आप में काफी काबिलियत तारीफ है, उन लोग काफी अपने आप को ग्रोथ कर चुके हैं लिटरेसी के माध्यम से, और धीरे धीरे हम लोग भी इस एजुकेशन को अगर लेंगे तो इसी लेते हुए हम लोग भी अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को कम करेंगे। जहाँ पे इसकी एजुकेशन कम है उस एजुकेशन को पूरी तरीके से बढ़ाएंगे, और एजुकेशन लेकर के और अपने अर्निंग को बढ़ाएंगे, अपने लाइफ को चेंज करेंगे, तो सारे चीज एजुकेशन के माध्यम से होगा। ये जैसे लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी किस तरीके से बढ़ रहा है तो इसको कैसे कम किया जाए, ये इस एजुकेशन के माध्यम से इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, और इस एजुकेशन को लेकर के हम लोग इस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे वी हैव द सॉल्यूशन किस कैसे इसे दूर कर सकते हैं, तो हम इसके एजुकेशन लेकर के, इस एजुकेशन को समझ करके और इस एजुकेशन के माध्यम से इसको प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करके तब कर पाएंगे बिजनेस एजुकेशन। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये रियल स्टोरी। यहाँ पे हमारे बीच में जैसे रैंक होते हैं, और रैंक होते हैं जैसे फर्स्ट में पार्टनर होते हैं, पार्टनर से लेकर के प्रेसिडेंट पोस्ट तक रैंक होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे लोकल लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर होते हैं, इसके बाद ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग होते हैं, इसके बाद प्रेसिडेंट लीडरशिप काउंसलिंग मेंबर होते हैं। तो इसमें वो लीडर आते हैं जो अपने आप को काफी मेहनत करके कंपनी के मिशन विजन के साथ काम करते हैं और कंपनी के मिशन विजन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका नाम कंपनी के लेवल पे होता है। तो ये ऐसे लीडर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी लोकल लीडरशिप काउंसलिंग में है। इस लीडरशिप काउंसलिंग में आप लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे मेहनत की बदौलत कंपनी चाह रही है, क्योंकि कंपनी के पास काफी अच्छे लीडर की जरूरत है, अच्छे लीडर की तलाश है, तो आप लोग भी यहाँ पे मेहनत करके आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लीडर हैं जो काफी मेहनत किए हैं और मेहनत की बदौलत यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोग भी अगर पूरी
तरीके से अगर मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप लोग भी अपने आप को बहुत इस पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो इसमें से बहुत सारे लीडर हैं, कुछ लीडर के नाम यहाँ पे इंडियन लीडर देख सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड है, पूरे दुनिया के लोग हैं इसमें, पूरे दुनिया के लोकल लीडर सिर्फ काउंसलिंग है। यहाँ हम इंडिया के कुछ लीडर के आपको बताना चाहेंगे, जैसे अल्ताफ जी हैं, अमित जी हैं, आनंद किरो जी अंडमान निकोबार से हैं, इसी तरीके से देवा मुंडी जी हैं, बेनी मैम हैं, इसी तरीके से हमीद जी हैं, जबर सिंह हैं, और साथ में दीपक चंद्रा जी हैं, और इसमें पंडी राजन जी हैं, और देख सकते हैं इनमें शैलेंद्र देवांगन हैं, रितेश हैं, और सुभाष गोस्वामी जी हैं, विजय रावल जी हैं, राहुल गोंगले हैं, रमेश जी हैं, और भी हमारे लीडर हैं इसमें, इस लीडरशिप काउंसिल में एक और हैं, हाँ अतुल जी भी हैं। तो इस तरीके से हैं, आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं इस मुकाम पे मेहनत के बदौलत। इसके बाद अगला मुकाम रहेगा ग्लोबल लीडरशिप काउंसलिंग का, उसका भी मैं चर्चा आगे करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ आप लोग भी पहुँच करके अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, कंपनी के काम को समझ करके आप आगे काम कर सकते हैं। VIP क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, VIP क्लब में क्यों हम लोगों को जरूरी है इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करते हैं। VIP क्लब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। VIP क्लब के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीजों को बेनिफिट मिलेगा। VIP क्लब के माध्यम से जिस तरीके से हम लोग कोई भी हम पैकेज में आते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन 5-6 पैकेज हैं, उस पैकेज में कोई भी आते हैं, आप कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप VIP क्लब के मेंबर रहेंगे। अगर आप VIP क्लब के मेंबर नहीं रहेंगे तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, वहां पे ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो इस VIP क्लब के माध्यम से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं डिस्काउंट का, साथ में बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। जैसे आप शुरू में CRU में एंटर हुए होंगे स्टार्टिंग में, तो आप उसको CRU आपका अनब्लॉक हुआ होगा तो उसको आप स्टेकिंग में लगा सकते हैं, उसको एक्सचेंज में लगा सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी के और भी बहुत सारे चीज आएंगे, वो सब में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ये सब बेनिफिट है एडिशनल, और साथ में कंपनी के मंथली एक क्लोज मीटिंग होती है, उस क्लोज मीटिंग में बहुत सारे चीज कंपनी के कहना चाहिए कि ऑफिशियली बताया जाता है, जो क्लोज ग्रुप के माध्यम से ही बताया जाता है, कुछ विशेष चीज बताया जाता है जो क्लोज ग्रुप वाले को ही बताया जाता है, वो आप सुन पाएंगे जब आप VIP क्लब के मेंबर रहेंगे, ये सारे चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अभी भी बहुत सारा अवसर है इसमें पार्टिसिपेट होने का, अभी तो नए लोगों के लिए और भी नया सुनहरा मौका है, आप लोग आ सकते हैं इसमें, अब VIP क्लब का लाभ ले सकते हैं। हमारे पास कुछ कोर्स इस तरीके से है, जैसे हम लोगों के पास फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग, एट रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसका एजुकेशन ले सकते हैं, जैसे EIP बिगनर, EIP बेसिक, EIP एलिमेंट्री, EIP सेकेंडरी, EIP हायर एजुकेशन, सारे एजुकेशन इसमें मिलते हैं, और कोई भी आप इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। तो इसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, हाउ टू $1 टर्न इंटू $1 million, किस तरीके से ग्रोथ करेंगे, इसके सारे एजुकेशन आपको सभी पैकेज में मिलेगा, EIP बिगनर हो या EIP बेसिक हो, EIP एलिमेंट्री सेकेंडरी या तो EIP हायर एजुकेशन हो, सभी में आपको ये एजुकेशन मिलेगा। उसी तरीके से 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर, इसका भी जानकारी आपको मिलेगा। इसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ वेल्थ प्रोस्पेरिटी इन्वेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में भी आपको पूरा एजुकेशन मिलेगा, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, फाउंडेशन ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के बारे में भी आपको एजुकेशन मिलेगा। इसका एजुकेशन आपको EIP एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और EIP हायर एजुकेशन में ही मिल पाएगा। और इसी तरीके से मिलीनियर ऑफ द ईयर मैराथन अभी जो चल रहा है, बहुत ही अच्छा एजुकेशन है, मैराथन में जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं काफ़ी अपने लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रैक्टिकली तरीके से काफ़ी अनुभवी लीडर के माध्यम से, कंपनी के CEO के माध्यम से, कंपनी के टॉप लीडर के माध्यम से एजुकेशन मिलता है, वो भी अलग अलग फील्ड का अनुभव के साथ में, प्रैक्टिकली पूरी एजुकेशन दिया जाता है मैराथन में। बहुत ही अच्छा सबका अनुभव रहा है उसमें, और मैराथन के बारे में मैराथन से बहुत सारे चीज सीख रहे हैं। इस तरीके से आप भी मैराथन में पार्टिसिपेट हो सकते थे, अभी फिलहाल में नए तरीके से वो चल रहा है, काफ़ी अभी चलते हुए अभी काफ़ी सेशन उनका हो चुका है, लगभग 65 सेशन हो चुका है। तो अभी
आप नए पैकेज जो भी आएगा इस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। मास्टर प्रॉफिट जीनोस ऑफ फाइनेंस गेम होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं आप अगर ईआईपी एलिमेंट्री, ईआईपी सेकेंडरी या ईआईपी एजुकेशन में हैं। तो इसी तरीके से मैराथन ऑफ सक्सेस जो जिसके बारे में चर्चा किया वही है, और समिट ऑफ सक्सेस एमएलसीआई एंटरप्रेन्योर इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और पेंशन प्लान के भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, अल्टरनेटिव पेंशन इसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और डिस्टेंस लर्निंग और प्राइवेट इन्वेस्टर इसके बारे में भी आप हायर एजुकेशन में आकर के पार्टिसिपेट होकर के इसकी एजुकेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग इसका भी हायर एजुकेशन में आप इसकी एजुकेशन मिलता है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर एंड लेवल 1-8 इसका भी एजुकेशन आपको हायर एजुकेशन पैकेज में इसमें आपको मिलता है। तो सारे एजुकेशन आप यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। कुछ एजुकेशन इस तरीके से आप अगर वीआईपी क्लब के मेंबर हैं, अगर नहीं हैं तो आपको ज़्यादा कोस्ट के माध्यम से इसमें आकर के पार्टिसिपेट होने पड़ेंगे। कंपनी के पास टोटल 5 कहना चाहिए एजुकेशन पैकेज है, इस एजुकेशन पैकेज में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। सबसे पहले आप ईआईपी बिगनर में अगर आते हैं तो 50 यूनिट दे करके आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने बताया कि कौन कौन से एजुकेशन ईआईपी बिगनर में मिलेगा वो सारे एजुकेशन को आप ले सकते हैं, और वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन सारा एजुकेशन आपको मिलेगा, सब एजुकेशन ले सकते हैं। साथ में आपको कंपनी के माध्यम से वेबसाइट मिलता है, आईडी पासवर्ड, उसमें आप सारा चीज आप रीड कर सकते हैं, कंपनी के न्यूज, लेटेस्ट अपडेट, एजुकेशन से संबंधित सारा मटेरियल आप कंपनी के उसमें पार्टनर टूल में जाकर के सारा चीज आप देख सकते हैं। उसी तरीके से ईआईपी बेसिक है, ईआईपी बेसिक में अभी 250 यूनिट के माध्यम से इसमें इंटर हो सकते हैं। उससे पहले हमारा 825 यूनिट लगता था, लेकिन अभी वीआईपी क्लब के माध्यम से आप अगर इंटर होते हैं तो 250 यूनिट में ही इसको ले पाएंगे। इसी तरीके से ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन है, 2125 यूनिट में पार्टिसिपेट होते थे, लेकिन आज के डेट में वीआईपी क्लब अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं, वीआईपी क्लब के मेंबर बनते हैं तो मात्र 1000 यूनिट में इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसी तरीके से ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें 4125 यूनिट में इसमें होना रहता था, लेकिन मात्र अभी 4000 यूनिट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसी तरीके से हायर एजुकेशन जो है ईआईपी हायर एजुकेशन, इसमें आप 12725 यूनिट में पार्टिसिपेट होते थे, लेकिन आज के डेट में वीआईपी क्लब आप में बनते हैं तो मात्र 10000 यूनिट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तब आते हैं सीआरयू यानी क्रिप्टो यूनिट। देखिए क्रिप्टो यूनिट का शुरुआत ऐसे, इनका शुरुआत सबसे पहले जो SW के माध्यम से चल रहा था, कंपनी का एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था एजुकेशन, उसके माध्यम से चल रहा था, लेकिन बाद में कंटिन्यू चलते हुए इन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो के साथ में सभी को अलग अलग देशों में पोर्टफोलियो बने और अलग अलग पोर्टफोलियो का लाभ सभी को मिले और पार्टिसिपेट सभी लोग होकर के इस पोर्टफोलियो जैसे जैसे ग्रोथ होगा उसका बेनिफिट सभी लोग ले पाए। तो इस विचार के साथ में कंपनी ने शुरुआत किया। ऐसे 9 और 10 फरवरी 2019 को इसका एक कहना चाहिए मलेशिया में बहुत अच्छा पूरे वर्ल्ड के लीडर आए थे, वहां पे पहली बार अनाउंस हुआ था। पहली बार मैं वहां गया था तो वहां पे इंटरनेशनल लीडर के साथ कंपनी के सीईओ को पहली बार वहां देखा और पूरे इस अनाउंसमेंट को सुना। तो शुरुआत में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके से बता रहे हैं अपना रोड मैप और किस तरीके से कर पाएंगे, लेकिन कंटिन्यू मैं स्टडी करना शुरू किया इसके बारे में कि वाकई में किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इनके प्रोजेक्ट होंगे और किस तरीके से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट होकर किसका लाभ ले पाएंगे सारा एजुकेशन लेते हुए। और कंपनी का जब ये आया हमारे बीच में 30 मार्च 2019 को पहला स्टेज जब आया था तो कहना चाहिए कि दो दिन में ही हमारा पहला स्टेज समाप्त हो गया था, और मतलब इतना ज्यादा क्रेज था कि कहना चाहिए कि जैसे ही रात में आया था हम लोग को पता भी नहीं चल पाया था, अचानक आया और सभी लोग पार्टिसिपेट हुए और कहना चाहिए कि एक दो दिन में खत्म हो गया। हम लोगों को शुरुआत में ऐसा लगता था कि अपॉर्चुनिटी तो सालों साल तक चलते रहेगा, बाद में ले लेंगे ऐसे सोच रहे थे, लेकिन इस चीजों का आभास बाद में हुआ। जब पहला स्टेज समाप्त हो गया दूसरा स्टेज में आ गया तब लगा कह रहे यार ये तो दूसरा स्टेज भी अब आ गया। दूसरा स्टेज ऑलरेडी हमारे पीस 3 अप्रैल को आ चुका था, दूसरा स्टेज इसी तरीके से तीसरा स्टेज 1 मई को आ चुका था, फिर 1 महीना का सफर लगा। इसके बाद हमारे बीच में पहला 8 मई 2019 को लॉयल्टी बोनस आया था,
और जब बोनस आया तो एक और भी अच्छा सबको सबके लिए हो गया और अच्छा माहौल क्रिएट हो गया और सभी लोग फिर और अच्छे तरीके से सभी लोग काम करना शुरू कर दिए। 1 जून 2019 को चौथा स्टेज में हम लोग थे, इसी तरीके से 1 जुलाई 2019 को हम लोग पांचवा स्टेज पहुंच चुके थे और 1 अगस्त 2019 में हम लोग छठवां स्टेज में थे और इसी टाइप से सातवां स्टेज में 1 सितंबर 2019 में 8.1 स्टेज 1 नवंबर को पहुंचे थे और हम लोग प्रॉफिट बोनस और यहाँ पे देख लीजिए नवंबर महीने में प्रॉफिट बोनस जो आने वाले समय में डिविडेंड के नाम से सभी लोग जानेंगे, लेकिन हम लोगों का कंपनी का जिस तरीके से प्लानिंग था सारा रोड मैप के अनुसार कुछ चीजों में बदलाव होने की वजह से प्रॉफिट बोनस को तब तक प्रॉफिट बोनस बोलेंगे, डिविडेंड तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हमारे बीच में सभी दस्तावेज सारे चीज पूरा नहीं हो जाते हैं। तो ऑलरेडी अभी हमारा प्रॉफिट बोनस के माध्यम से हम लोगों को मिलना शुरू हुआ, पहला 13 नवंबर 2019 को मिला था, ये भी काफी अच्छा रहा इस सभी के लिए। 1 दिसंबर 2019 को हम लोग 8.2 स्टेज में चल गए। अब देख सकते हैं कि कितना स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ लीडर हमारे बीच में ऐसे भी थे जो जिनको लग रहा था कि यार हम अभी 3 अप्रैल में हैं, हम हो सकता है कि 1-2 महीना बाद लेंगे या तो फिर 1 नवंबर दिसंबर में लेंगे, तो उनके लिए आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बदलाव हो जाता है। कहीं ना कहीं 25 से लेकर 50% तक का कंपनी में इसमें इनके पैकेज में जो प्री आईपीओ जो सीआरयू में डिफरेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं काफी बदलाव हो जाता है, हम लोगों को उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो जो जिस पोजीशन में आए हैं अब जब भी आप आए हैं उसी पोजीशन में लेना चाहिए, समय का अगर वेट करते रहेंगे तो समय आगे बढ़ जाएगा, आप समय के अनुसार नहीं चल पाएंगे, कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा, बाद में अफसोस करने रहेगा। इसलिए जब आप पार्टिसिपेट होते हैं उसी समय आपको इसका लाभ लेना चाहिए। उसी तरीके से हमारे बीच में दूसरा इसका स्टेज आ चुका था, कहना चाहिए कि सेकेंड पार्ट आ चुका था। इसमें 3 पार्ट है, पहला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। तो हम अभी सेकेंड पार्ट में हैं, तो सेकेंड पार्ट 8 जनवरी 2020 को आ चुका था सेकेंड पार्ट, और 15 जनवरी 2020 को हम एथेरियम बेस के ब्लॉकचेन सिस्टम में आ चुके हैं और कंटिन्यू अभी भी हैं ब्लॉकचेन सिस्टम में। इसी तरीके से 9 मार्च 2020 में हम लोग इंटरनल जो एक्सचेंज होता है इंटरनल सीआरयू एक्सचेंज है एक्सचेंज में आ चुके हैं 9 मार्च 2020 में। 1 मई 2020 में हम लोग ऑलरेडी सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज का सेकेंड पार्ट में हम लोग अभी भी चल रहे हैं और हम अगले महीने से यानी ये जो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद आप 2.3 स्टेज में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप अभी जहां भी हैं आप सही जगह पे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आज बहुत ही अच्छा है, आप सुन रहे हैं तो आपके लिए काफी लाभप्रद होगा, क्योंकि जब ये 2.3 स्टेज में जाएगा तो उस समय आप सोचेंगे कि काश मैं 2.2 स्टेज में भी ले लिया होता तो इस अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गया होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो बीत गया उस पे विचार न करते हुए अभी जो आपके पास है उस पे अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए भी काफी बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि अभी कंपनी का काफी अभी सफर बाकी है, उस सफर में अभी भी आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें भाग लेकर के अपने आप को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जाएंगे। कंपनी के मैं बताना चाहूंगा 20 मुख्य सेक्टर है, इसी मुख्य 20 सेक्टर के अंदर ही कंपनी काम कर रही है। जैसे हमारे मुख्य सेक्टर के अंदर कुछ इस तरीके से है, अलग अलग ये 20 सेक्टर ऐसे 20 सेक्टर है कंपनी के कई सालों का रिसर्च के साथ में 20 ऐसे सेक्टर को सेलेक्ट किया है जहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो सकता है, अच्छा अर्निंग हो सकता है, अच्छा आने वाले समय में फ्यूचर है। इस सारे चीज को देखते हुए कंपनी ने 20 सेक्टर को चयन किया है। 20 सेक्टर के जरिए ही इसी के अंदर में अलग अलग और भी पोर्टफोलियो बन रहे हैं और इसी के अंडर पे काम हो रहे हैं। हमारे पास मुख्य 20 जो सेक्टर हैं, तो पहला जो आता है हमारे एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से हम लोग जैसे ईआईपी पैकेज लेते हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं, जिनोसो फाइनेंस एजुकेशन के माध्यम से, 8 रोल और प्राइवेट इन्वेस्टर सारे एजुकेशन के माध्यम से ही इस सारे चीज का जानकारी लेते हैं और हम लोग अपना पोर्टफोलियो ग्रोथ करने में एजुकेशन लेकर के बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे पास सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम है और भी एजुकेशन आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम करेगी अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। इसी तरीके से मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर, इस पे भी काम हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेट ऑफ बिजनेस VIA को ओनरशिप, इस पे भी हमारा पोर्टफोलियो है। इसी तरीके से वेल्थ एंड
लॉन्गविटी डेवलपमेंट सेक्टर इस पे भी है, इनोवेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक मार्केट सेक्टर है, फॉरेस्ट मार्केट सेक्टर है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट सेक्टर है, इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर है, इनोवेशन डेवलपमेंट सेक्टर है, इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डेवलपमेंट सेक्टर है, इस पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, अभी बहुत सारा और भी प्लानिंग हो रहा है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। इसी तरीके से सेक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड कोऑपरेटिव सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इस पर भी काम हो रहा है। इसी तरीके से साइंस सेक्टर है, कल्चर सेक्टर है, प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस मेटल सेक्टर है, प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन सेक्टर है, स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर है, चैरिटी सेक्टर है। ये ऑलरेडी सभी सेक्टर पे काम होना, धीरे धीरे कंटिन्यू पोर्टफोलियो बनना शुरू हो गया है। कंपनी अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग देश में इसलिए कर रहा है, जैसा कि आप एक ही सेक्टर में अगर होते, मान लीजिए कि आप रियल इस्टेट में होते, मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, मान लीजिए कि 11वां नंबर में जो रियल इस्टेट है एक ही सेक्टर पे कंपनी काम करती रहती, तो अभी रियल इस्टेट में मान लीजिए कि काफी लो है, जैसे हो उसमें अगर लो जा रहा है तो सभी पोर्टफोलियो लो चला जाता और सभी जितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं सब काफी कहना चाहिए कि क्राइसिस का सामना करते होते। लेकिन अगर अलग अलग पोर्टफोलियो है, एक पोर्टफोलियो अगर कम कहना चाहिए कि ग्रोथ कर रहा है, बाकी पोर्टफोलियो अगर आगे ग्रोथ कर रहे हैं, तो काफी हम लोग अच्छे कंटिन्यू काम कर पाते हैं और सबका बेनिफिट ले पाते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से वायरस का प्रकोप है पूरे दुनिया में, कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंपनी अभी अच्छे पोजिशन में है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि अलग अलग देशों में अलग अलग पोर्टफोलियो हैं और सभी पोर्टफोलियो अलग अलग होने की वजह से बाकी पोर्टफोलियो अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे पास, उससे कहना चाहिए कि बैकअप बना हुआ है और हम भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो कंपनी का बैकअप इसीलिए बना हुआ है अलग अलग पोर्टफोलियो के माध्यम से। तो आप घर बैठे सभी पोर्टफोलियो का लाभ ले सकते हैं और आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी बिजनेस में है उसमें करते हुए भी आप इस पोर्टफोलियो का सारा चीज का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए इस तरीके से। अभी तक मैं तो नहीं देखा था कि इतने सारे पोर्टफोलियो के साथ में कोई मौका अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें पार्टिसिपेट होने का मौका मिले, ऐसा कभी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके माध्यम से आप लोग मिल करके अपने लाइफ में काफी अच्छा बदलाव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है हमारे बीच में, जब से शुरुआत हुआ है क्रिप्टो यूनिट तब से लेकर के अभी तक का ग्रोथ जो है ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, 4047.37965 यूनिट का ऑलरेडी अभी हमारे पास इतना हो चुका है पोर्टफोलियो, ग्लोबल पोर्टफोलियो इतना बन चुका है। तो इस तरीके से हमारा जब से शुरुआत हुआ था क्रिप्टो यूनिट तब से लेकर के अभी तक का इस तरीके से डाटा है। अभी और बदलाव होते जा रहा है, इसका वीकली जो क्लोज ग्रुप है सब चीज में बताया जाता है, कभी पार्टिसिपेट आप होंगे तो आपको पूरा चीज जानकारी मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं सुशी मास्टर को यहाँ पे दिखाया गया है, सुशी मास्टर भी बहुत अच्छे से काम हो रहा है इस पे भी, गोल्ड माइनिंग इसमें भी गोल्ड माइनिंग में लगा हुआ है। इसी तरीके से केजी क्लब प्रमोशन किट मार्क जो मूवी का मूवी इंडस्ट्री है उसमें भी, फिल्म इंडस्ट्री है इसमें भी अच्छे तरीके से काम उसमें भी होने का है, बहुत सारा काम अभी उसमें चल रहा है और वर्ल्ड वाइड काम होगा उसमें। जो भी कंपनी ग्रोथ करेगी उसका हम लोग सभी लोग पार्टिसिपेट किए हैं तो सभी लोग उस बोनस के हकदार होंगे, लाइफ टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बोनस हम लोगों को मिलता रहेगा, ये सुनहरा मौका है। इसी तरीके से बसाल्ट टेक्नोलॉजी है, बसाल्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये काफी सस्ता टिकाऊ और हल्का होगा और ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले समय पे जैसे हमारे पास लोहा है या और स्टील है इस तरीके से जो इस्तेमाल होते हैं उसके जगह पे इसके बहुत सारे इस्तेमाल होंगे और काफी हल्का होंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन में काम आएंगे। उसी तरीके से बस के चादर बस के बहुत सारे पार्ट बनाने में, बहुत सारे कहना चाहिए गाड़ियों के पार्ट बनाने में और भी बहुत सारे स्पेस डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारे चीजों में इसका इस्तेमाल होगा। तो हम लोगों के लिए पोर्टफोलियो है और वहां से जो भी बेनिफिट होगा उसका लाभ मिलेगा, ऑलरेडी इसके बहुत अच्छे से काम हो रहा है, आने वाले समय पे इसमें कई जगह प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग जगह में प्रदर्शनी होगा और बड़े बड़े कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट होकर के इस पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे और इस पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे तो सभी लोग का इसमें ग्रोथ होगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है इस पोर्टफोलियो के माध्यम से लाभ लेने का। अगर हम लोग क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में अगर आते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या बेनिफिट लेंगे इसके बारे में बताना चाहूंगा। हम लोग अगर क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में अगर आते हैं तो आने के बाद हमको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले कोऑनरशिप
ओनरशिप का ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है, मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम का लाभ मिलता है, इसी तरीके से हमारे बीच में प्रॉफिट बोनस का भी लाभ मिलता है, हमारे बीच में प्रॉफिट बोनस भी मिलता है, इसी तरीके से कंपनी का आप देखे होंगे बहुत सारे कंपनी आप लोग आज तक देख चुके होंगे, देखे होंगे कि बाकी कंपनियों में किसी तरीके से आप ऑफिशियली किसी तरीके से जो अंदर की बात होती है यानी कंपनी लेवल की बात होती है उस चीजों को नहीं बताया जाता है, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से कंपनी के प्लानिंग है, कंपनी क्या करना चाह रही है, किसी भी चीज को नहीं बताती है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होती है, सारा चीज को कंपनी ओपन क्लोज ग्रुप और ऑफिशियल जो मीटिंग होता है उसके माध्यम से बताता है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी होती है, आप लोग पूरा जानकारी ले सकते हैं कि कंपनी अभी किस पोर्टफोलियो में काम कर रही है, किस पे अभी ग्रोथ हो रहा है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, सब चीज का जानकारी आपको मिलेगा आने वाले समय में और बहुत सारे चीज आप लोगों को मिलेगा, तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें काम करने का मौका मिलता है, साथ में सीआरओ वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज द एसेट आपका इंक्रीज भी होता है एसेट, जैसे आप किसी भी पोर्टफोलियो में अलग जगह में लगाते होंगे तो वहाँ आपका प्रिंसिपल रहता होगा वो ग्रोथ नहीं कर पाता होगा, अगर प्रिंसिपल ग्रोथ करता होगा तो उसके ऊपर बोनस नहीं मिल पाता होगा, ब्याज नहीं मिल पाता होगा, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल केवल ग्रोथ होता होगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी ग्रोथ होगा और आपका प्रिंसिपल तो ग्रोथ होगा ही साथ में आपके उसके ऊपर कहना चाहिए कि बोनस भी मिलेगा, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कुलेट सीआरओ ग्लोबल मर्चेंट, जब मर्चेंट होगा तो उसका ग्लोबल हम लोग मर्चेंट होने के बाद उसका भी हम लोग लाभ ले पाएंगे, तो ये भी बहुत बेहतरीन मौका है, अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो इसमें कुछ स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करिए, इस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आप पार्टिसिपेट होइए, क्योंकि आपके ऊपर ही है, अगर पार्टिसिपेट होते हैं तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में इसका लाभ ले पाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से इसमें कुछ करने होते हैं जैसे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसमें आप कहना चाहिए कि पार्टिसिपेट होने के लिए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप दूसरे को भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, और जैसे ही आप वीआईपी क्लब के मेंबर बन जाते हैं इसमें आकर के तो कोई भी आप बोनस के माध्यम से इसमें आते हैं, और इसके बाद कोई भी ईआईपी पैकेज कंपनी के जो मैंने पहले बताया था 5 पैकेज किसी में पार्टिसिपेट होकर के कंपनी के सभी प्लान को समझते हुए एजुकेशन लेंगे, साथ में ओनरशिप बनने का मौका प्राप्त होगा और इसी तरीके से हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी लाभ लेने का मौका मिलेगा, तो बहुत ही तीन तरह से हमारे मौका मिलेंगे, इसी तरीके से आगे आप काम कर पाएंगे और आगे बढ़ने का आपका मौका मिल पाएगा। देखिए आप अगर इसी तरीके से चाहते हैं कि हम लोग सभी लोग मिल करके इस न्यू के साथ में काम करें और दुनिया के एक नया दुनिया का नया आर्थिक विकास में सभी लोग अग्रसर हों, सभी लोग आगे बढ़ें और सबका साथ कहना चाहिए कि सबका लाइफ बेहतरीन हो, कंपनी का मेन विजन है कि पूरी आबादी का 15-30% लोगों को इस एजुकेशन को पहुँचाना है, इस एजुकेशन में पार्टिसिपेट होकर सबका लाभ हो, तो इसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तभी जाके पॉसिबल हो सकता है, जिस तरीके से अभी 15 लाख इसमें एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसी तरीके से आने वाले समय में और भी जुड़ते जाएंगे, हमारे साथ में और भी आते जाएंगे और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बनेगा, बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम के माध्यम से आगे सभी लोग ग्रोथ करेंगे और सभी लोग उसका लाभ लेंगे। तो हम इसको समझते हैं कि हमारे पास मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें हम लोग दोनों तरह से दोनों चीज को पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है, एक तो मल्टी लेवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस, दोनों तरह से हम लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है। तो हम लोग अगर मल्टी लेवल बिजनेस को अगर देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद इन्वेस्टिंग बिजनेस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं तो हो सकता है कि आपको आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर, एक बार मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में 1 टाइप करें ताकि मुझे आभास हो सके कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल पा रहा है और कंटिन्यू मैं करूं। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत मैं देख पा रहा हूं सभी लोग अच्छे से आवाज जा रहा है, 1 टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरी एजुकेशन मिले और इस एजुकेशन को आप अपने टीम में भी बताएं,
लीडर, लेकिन कोशिश करें कि आप जिस तरीके से शामिल इसमें हो रहे हैं इसी तरीके से इस एजुकेशन में, क्योंकि कंपनी का वीक में 2 दिन होता है, मंगलवार और गुरुवार के दिन आप अपने लीडर को शामिल कराइए साथ में। जब भी आप शामिल हों कम से कम 2 लीडर को तो शामिल कराइए ही कराइए, नए लीडर को, क्योंकि हमेशा जब 2-2 लीडर को शामिल कराएंगे, और जब उनको भी बोलिए कि कम से कम आप लोग भी 2 लीडर को शामिल कराइए, हम लोगों का घर बैठे इस तरीके से मौका मिल रहा है एजुकेशन लेने का, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नहीं तो इस एजुकेशन लेने के लिए हम लोग जब शुरुआत किया था तो कहीं इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी जाकर के मैंने एजुकेशन लिया है, यही सब एजुकेशन लेने के लिए बाहर भी लाखों लाख खर्च करके, पैसे काफी खर्च करके, काफी समय दे करके वहाँ पे एजुकेशन लेना होता था, और मैंने लिया है वो शुरुआत में, लेकिन आपके पास से घर बैठे सुविधा मिल रहा है। इस एजुकेशन को आप लीजिए और अपने टीम को भी लेने को बोलिए साथ में। जब भी आप मीटिंग में आए, जब भी वेबिनार में आए, अपने नए लोगों को भी वेबिनार में शामिल करिए। आप जो भी काम करते होंगे, लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आपको घर बैठे सुविधा मिल रहा है, तो आप इसको सुनना चाहिए, आपको इसकी एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक लीडर अलग अलग दिन में अलग अलग लीडर आते हैं, और हर एक लीडर के पास कुछ ना कुछ अलग अलग तजुर्बा होता है, अलग अलग अनुभव होता है, और अनुभव को शेयर करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जब भी आए अपने साथ में अपने टीम को भी लेके आए, अपने नए पार्टनर को जरूर लेकर के आए। धन्यवाद, कंटिन्यू आप आगे करते हैं। मल्टी लेवल बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा था, यहाँ पे एक तो हम लोगों को बहुत अच्छा इसमें ट्रेनिंग मिलता है कि पूरी तरीके से किस तरीके से हम लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, किस तरीके से एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ सकें, उसकी एजुकेशन भी मिलता है, साथ में घर बैठे इस बिजनेस को पहुंचाने का मौका मिलता है। बहुत सारे बिजनेस आप देख ही रहे हैं अभी के डेट में कि बहुत सारा बिजनेस ऐसे हैं जो लॉकडाउन हो गया था और बहुत सारा ओपन नहीं हो रहा था, तो काफी परेशानी हो रहा था, लेकिन हमारा जो बिजनेस है घर बैठे पूरे दुनिया में इस बिजनेस को फैला सकते हैं, घर बैठे अपने इस बिजनेस को पूरे दुनिया में इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मौका केवल इसी सिस्टम में है और इस सिस्टम के माध्यम से आप इसका भी लाभ ले पाएंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट आप इसके खुद ही इसके ओनर हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कमाना चाहते हैं। इसमें लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों तक भी कमा रहे हैं, हजारों भी कमा रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना समय दे रहे हैं, कितना काम करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप काम करेंगे, जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे, उसके अनुसार आप ग्रोथ आपका होगा, उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा। हो सकता है कि आप कुछ पल के लिए आपको लगे कि हमारा ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ज्यादा इनकम नहीं हो रहा है, ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके पास इतना पोर्टफोलियो होगा कि कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे अदर कुछ कंपनी के कनाचे लीडर होंगे, उनको मैं देख पाया हूँ जहां तक कि उनको पैसा तो बहुत कमाए हैं और कई जगह गंवाए भी हैं, कई जगह कमा भी रहे हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं हो पाता है, ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं, उनका बैकअप नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं वो सारा बैकअप यहाँ से बना सकते हैं, और अच्छा खुद आप इसके ओनर डायरेक्टर रहेंगे, खुद आप इसके ओनर रहेंगे, तो आपके ऊपर है कि आप कितने लेवल तक उसको कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यह कंपनी आपका है और हम लोग MLCI के तहत काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस कंपनी के सभी लोग मिल के इस कंपनी को ग्रोथ करेंगे, तो कंपनी आपका है, आपके ऊपर है कि कंपनी के लिए आप कितना ज्यादा योगदान दे रहे हैं। इसी तरीके से हम कंपनी के खुद ही कंपनी के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, हमारा खुद कंपनी है तो हम इसके लिए काम करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम वर्क करते हैं, अनलिमिटेड इसमें रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, साथ में अपने ड्रीम जितना भी है ड्रीम सारे ड्रीम को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर यहाँ से अच्छा ड्रीम पूरा किए हैं, मैंने खुद यहाँ से बहुत अच्छा ड्रीम पूरा किया है, मैंने अपना ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी में कोशिश किया हूँ आप लोगों को शेयर करने का, उसमें वीडियो में देख पाए होंगे। तो बहुत सारे लीडर अपना कहीं से ड्रीम को यहाँ से पूरा कर पाए हैं और अपना पोर्टफोलियो बना पाए हैं, तो ये मौका आप लोगों को इसी तरीके से मिलेगा, और इस मौका को दूसरे को भी बताएं और दूसरे लीडर भी इसमें पार्टिसिपेट होकर इसका लाभ ले सकें। तो ऑलरेडी यहाँ इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप कहना चाहिए 12 से लेकर के 60 महीनों में ऑलरेडी यहाँ पे मिलीनियर भी बन सकते हैं, आपके काम के ऊपर है, जिस तरीके से आप काम करेंगे उसके अनुसार आप ग्रोथ कर पाएंगे। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कंसल्टिंग ट्रेनिंग होती है, इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को ओनरशिप का बेनिफिट मिलता है, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज योर द कैपिटल क्विकली इसमें बढ़ने का मौका मिलता है, एसेट मैनेजमेंट, इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी इंक्रीज एसेट 1 मिलियन
डॉलर इन 24 to 60 मंथ में ग्रोथ करने का ग्रोथ कर सकते हैं आप इसमें प्रेस्टीज, इसी तरीके से आप इसमें ग्रोथ करते हुए अपने आपको अग्रसर कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि कंपनी का शुरुआत 2011 से हुआ था, 2011 के बाद में हमारे साथ में एक नए पार्टनर के साथ में एक नई स्टार्टअप में काम कर रहे थे, नया टेक्नोलॉजी के साथ में जो न्यू के पहले कहना चाहिए कि अभी जो न्यू है उससे पहले स्विग हुआ करता था उसमें काम शुरू हुआ था और वहां से कंटिन्यू काम चल रहा था, उसमें रीब्रांड होकर के अभी न्यू के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी न्यू है। तो 2014 से हमारा जो कंपनी का वर्ल्ड वाइड काम करना और इस तरीके से एजुकेशन के अलावा पोर्टफोलियो में काम करना शुरू कर चुके थे कंपनी, और अलग अलग पोर्टफोलियो के साथ में 2014 से काम करना शुरू कर चुकी थी एजुकेशन के साथ में। तो 2014 में जब शुरुआत हुआ तो इसमें हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो जो एक्टिव पार्टनर है वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी इसमें 7,50,000 पहले का डाटा है, अभी तो और अच्छा कहना चाहिए कि हमारे पास में आ चुका है। इसी तरीके से 175 देशों से इसमें पार्टिसिपेट सभी लोग हुए हैं। अभी कंपनी के हायर जो रैंक होता है उस हायर रैंक में 71 प्रेसिडेंट हैं। बोल सकते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है उस टीम तक पहुंचने के लिए आपको रैंक के साथ में बहुत सारे कंपनी के काम करने होते हैं, वहां तक आप पहुंच करके अचीवमेंट ले सकते हैं, हायर रैंक ले सकते हैं और सब कंपनी के हर एक चीज़ों को करते हुए आप अपना एक बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से हमारे अभी 11 लैंग्वेज में ये मुख्य लैंग्वेज है पूरे दुनिया में जो हो रहे हैं, जैसे आज हम हिंदी में बता रहे हैं इसी तरीके से अलग अलग भाषाओं में आज 11 भाषाओं में ऑलरेडी हो रहा है, जैसे रशियन में, फ्रेंच में हो रहा है, इटालियन में हो रहा है, इसी तरीके से इंग्लिश में हो रहा है, इसी तरीके से 11 भाषाओं में आज के दिन हो रहा है, उसी तरीके से मंगलवार को भी होता है और गुरुवार को भी होता है। आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं उस भाषा में आप सुन सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने प्रयास किया है कि इंडिया में और भी कई इंडिया के अन्य भाषाओं में भी सुनने को मिलता है, जैसे तमिल हो गया, मराठी हो गया, ये सब भाषाओं में सुनने को मिलता है। आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट होकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप कितना अभी तक बोनस कंपनी बांट चुकी है, 9,006,039,000,000 एक मिनट फिर से इसको बताना चाहूंगा, 9,639,872,402 इतना ऑलरेडी यहाँ पे बोनस कंपनी बांट चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बोनस हमारे पास कंपनी बांट चुकी है लीडर को। इतना बहुत सारे कंपनी को देखता हूँ, इतना तो उनका टर्नओवर नहीं होता है, उनका एसेट नहीं हो पाता है, इतना ये कंपनी बांट चुकी है बोनस, आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी में अभी ये पहले का डाटा है, इसके अनुसार 13 लाख मेंबर हैं अभी के डेट में, रजिस्ट्रेशन कहना चाहिए कि लोग हैं, और अभी के डेट में तो लगभग 14 से 15 लाख पहुँच चुके हैं। एग्जैक्ट डाटा आपको हो सकता है कि वीकली जो साप्ताहिक होता है उसमें बताया जाएगा, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। 2014 से बात करें तो 2020 चल रहा है, 5 सालों में इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, और उससे पहले जो ग्रोथ चल रहा था वो तो चल ही रहा था। और ऑलरेडी अभी कंपनी का मंथली 19,995 पर मंथ इनमें ज्वाइनिंग होता है, उसी तरीके से 666 पर डे होता है, 27 पर घंटे होता है, 1 रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में होता है, इस तरीके से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा सबको पार्टिसिपेट होकर के काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मौका प्राप्त हो रहा है। आप लीडर देख पा रहे हैं, मैंने बताया था इसमें सबसे पहले लोकल लीडरशिप काउंसिलिंग, ग्लोबल, इसके बाद प्रेसिडेंट काउंसिलिंग। अब बताना चाहूँगा कि ग्लोबल लीडरशिप काउंसिलिंग, यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं जो ऑलरेडी अपने आप को मेहनत करते हुए शुरू के दिनों से पूरे तन मन धन से इसमें काम करते हुए अपने आप को तो लाइफ बदला ही, साथ में कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने अपने कहना चाहिए कि पूरा टाइम कंपनी के लिए दिया और कंपनी के काम करते हुए आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं, कंपनी के ग्लोबल लीडरशिप काउंसिलिंग में है। यानी दुनिया के पूरे देश से चयनित कुछ ही लीडर हैं जो जिनके नाम अब जिनके फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं लीडर के माध्यम से बाकी काम हो रहे हैं। इसी तरीके से आप इस मुकाम तक आप लोग भी पहुंच सकते हैं,
उसके लिए अभी कंटिन्यू आप कंपनी के साथ काम करने होंगे, कंपनी के मिशन विजन को क्लियर करना होगा, सारा एजुकेशन लेना होगा, लेते हुए आप यहाँ तक आप लोग भी पहुंच सकते हैं। जैसे बहुत सारे इसमें लीडर हैं आप देख सकते हैं, जैसे अलेना पेपेना अनेते मैम है, इसी तरीके से मार्टिन है और नील मरुशन है, ऑलरेडी रीता एशियन है, और सभी लीडर से मैं ऑलरेडी रूबरू हूँ, सबसे मिला हूँ, कई बार मैंने इनसे मुलाकात किया है, इंडिया से बाहर कई बार जब जब गया हूँ इनके साथ मुलाकात हुआ है। जैसे शुरुआत में इनसे मुलाकात मेरा कहना चाहिए मलेशिया में हुआ था, और सभी लीडर से, और मलेशिया में होने के बाद जब बेलारूस में हुआ, बेलारूस गए तो बेलारूस में फिर से हम लोग कहना चाहिए कि सभी लीडर से मिले। इसके बाद दोबारा फिर से बेलारूस गए, फिर से मुलाकात हुआ, फिर इंडिया में बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ था उसमें सभी लोग आए थे, फिर से मुलाकात हुआ, और सभी के साथ में हम लोगों का वीकली मीटिंग होता है, मीटिंग के माध्यम से मैं मिलते रहता हूँ, तो यहाँ तक आप लोग भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया से हम लोग अभी 3 हैं, इसमें से मैं ध्रुव कुमार ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, राजन है, और एक हमारे पास शशि शर्मा जो मणिपुर से है वो है, तो ऑलरेडी हम लोग 3 यहाँ पे अभी इंडिया से हैं। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में आप सभी लीडर यहाँ पर हों, क्योंकि पूरे दुनिया से लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, आते जाएंगे, इस मुकाम तक पहुँचते जाएंगे। इस मुकाम में मैंने पहुँच गया है, इस मुकाम में आप भी इस मुकाम तक पहुँचिए, इस मुकाम तक आइए, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप तक एजुकेशन पहुँचे। तो इस मुकाम तक पहुँच करके आप लोग भी अपने कंपनी के योगदान दे सकते हैं, अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। मेरी स्टोरी में आप देख पाए होंगे, या मैं पूरा शेयर किया था अपना किस तरीके से सफर रहा, आप एक बार जरूर उसको देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो YouTube वीडियो में, Facebook में भी लाइव होता है, सारा सेशन अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं, आप देखने को वहां से मिलेगा किस तरीके से मैंने शुरुआत किया। अब हम चाहेंगे कि एडवांटेज क्या है, अगर MLCI बिजनेस में अगर आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या बेनिफिट ले पाएंगे और इसमें क्या क्या हमारा लाभ हो पाएगा। सबसे पहले हम इस बिजनेस को घर बैठे इसको प्रमोट कर पाएंगे, घर बैठे इसको कर पाएंगे, और खुद इसके बॉस होंगे, यानी खुद ही कंपनी का ओनर होंगे, हम हमारा ही कंपनी होगा, हम अपने कंपनी के लिए काम करेंगे। इंटरनेशनल बेस पे इस बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, एक्सपांड कर पाएंगे, अनलिमिटेड अर्निंग का कहना चाहिए कि इसमें आपका अपार कहना चाहिए कि पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड इनकम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कंपनी में देखते होंगे कि आप जो भी इनकम करते होंगे उसमें कहीं ना कहीं हर महीने रिपर्चेस करने होते हैं, या तो हर महीने कोई प्रोडक्ट लेने होते हैं, या तो हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा एजुकेशन ले रहे हैं, कौन सा क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, कंपलसरी कोई भी नहीं है, आपके मर्जी के ऊपर है, कंपलसरी कोई भी पैकेज नहीं होता है इसमें, आपके मर्जी के मुताबिक होते हैं। आप कोई भी पैकेज को अगर जितना चाहते हैं उतना ही कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई कैपिंग नहीं होता है। जैसे बहुत सारे चीज़ों में रहता है कि आप एक लेफ्ट करिए एक राइट करिए तब जा करके उसमें काम करने होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से आपका अनलिमिटेड इनकम का सोर्स बना सकते हैं। इसके माध्यम से अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं, टीम के माध्यम से भी अपना अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी अपना इनकम कर सकते हैं, साथ में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम भी बना सकते हैं। इसी तरीके से क्विक बिजनेस मॉडल, यूनिक बिजनेस मॉडल है, इस यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ में आप काम करेंगे, मैसिव लेवरेज एक्रॉस इंटायर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को पूरे वर्ल्ड वाइड पहुँचा सकते हैं, और पूरे नेटवर्क को पहुँचा करके उसका लाभ ले सकते हैं। आप हाउ टू बिकम ए पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का आप कैसे पार्टिसिपेट हो सकते हैं और इस में पार्टिसिपेट होकर के इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें रजिस्टर होंगे, रजिस्टर होने होते ही आपकी KYC होगी, KYC वेरिफिकेशन होगा, सारा चीज होगा, इसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कोई भी पैकेज आप लेंगे उस पैकेज के माध्यम से आप इसमें पार्टिसिपेट होंगे, और इसके बाद उसमें अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जो एजुकेशन लेंगे उस एजुकेशन को लेते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली रूप में करेंगे। जैसे आपको पोर्टफोलियो बनाने के बाद होगा, जो भी आप इनकम करते जाएंगे अपना पोर्टफोलियो बनाते जाएंगे, अपना इनकम के सोर्स को भी बढ़ाते जाएंगे, सारा चीज इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, तो सब चीज सीखने को मिलता है।
एक कुछ दिन पहले का चार्ट है और मैं इसी के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी फिलहाल में ये वाला नहीं है जो मैं पहले दिखाया था। अभी फिलहाल में अगर आप पहली बार नया मेंबर हैं तो आपको अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी 23 तारीख तक आप इसमें आ करके, 23 यही जुलाई तक आ करके, आप ऑलरेडी अगर पार्टनर हैं तो 10 यूनिट से आ करके इसमें कहना चाहिए वी आई पी क्लब के मेंबर मिल सकते हैं। और आपको गिफ्ट स्वरूप आपको 300 CRU गिफ्ट स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ बिल्कुल लें, क्योंकि हमारे पास 300 CRU लेने के लिए अलग से अगर पैकेज की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी कहना चाहिए यूनिट पे करने होते हैं। तो उससे अच्छा है कि 10 यूनिट दे करके आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर नहीं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हैं तो आपको अगर पैकेज में जाएंगे नॉर्मल तरीके से तो उसमें 70 से ऊपर ही आपको यूनिट पे करने होते हैं, तब जाकर के पैकेज लेने होते हैं, तब जाकर के उसमें 300 आपको CRU मिल पाएगा। लेकिन आप वीआईपी क्लब के माध्यम से अगर आते हैं, आप नया हैं, या तो आप अपने लीडर को देना चाहते हैं, या आप पुराने लीडर हैं, इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं CRU में, हो सकता है कि आप पहले से TNG लेकर के रखे हों और इसमें पार्टिसिपेट आज तक ना हुए हों, और आप विचार कर रहे होंगे कि मैं इसमें पार्टिसिपेट होना चाह रहा हूं, या तो आप होना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप पुराने हैं फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, पार्टिसिपेट होकर के इसमें अपना लाभ ले सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपके लिए एक पोर्टफोलियो है और आने वाले समय में जैसे जैसे ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ होगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे फ्यूचर में पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें बोनस भी मिलता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मिशन है न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नया आर्थिक विकास, पूरे आबादी का कम से कम 15% लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचाना, क्योंकि आप देख पाए होंगे कि अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, यानी ऐसा दौर चल रहा है जिसके पास कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा पार्टनर हैं, सबसे ज़्यादा यूनिटी है, वही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जैसा कि आप Amazon, Facebook, YouTube, ये सब को, Google, ये सब को देख रहे होंगे, इनके पास काफी कम समय में दुनिया में 100 साल 200 साल उससे भी कई सालों से पुराने कंपनी को भी इन लोग पछाड़ के रख दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय के अनुसार चलना शुरू किया और समय के अनुसार काम करना शुरू कर दिया और इनके साथ पार्टनर जुड़ते चले गए और इनके पास यूनिटी बनती चली गई और इनके पास इतनी यूनिटी बन गई, उस यूनिटी के जरिए नए चीजों में दौर पे जाते हैं नए। अब इनके पास डाटा हो गया है, कुछ भी काम को करते हैं तो बड़े स्तर पे इनका काम हो रहा है। उसी तरीके से हमारे पास अभी 15 लाख यूनिटी है, आने वाले समय में कंपनी का विजन है कि कम से कम 10 मिलियन तक पहुंचने का है बहुत जल्द। तो 10 मिलियन तक अगर पहुंचते हैं, यानी 1 करोड़ लोगों तक, अगर हम 1 करोड़ लोगों तक अगर पहुंचते हैं तो 1 करोड़ लोगों तक अगर पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने के बाद हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी यूनिटी होगी। हम कोई भी प्रोजेक्ट में अगर इंटर करेंगे तो देखते ही वो प्रोजेक्ट कहाँ चला जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आप सोच सकते हैं कि हमारे पास जितना ज्यादा यूनिटी होगा उतना ज्यादा कोई भी नया चीज अगर लॉन्च होता है, नया चीज अगर आता है, तो हम सभी उसके प्रॉफिट के हकदार होंगे, उसका बेनिफिट के हकदार होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो काम करेगा, हम उसमें बेनिफिट उसका ले पाएंगे, तो हम अपने लिए काम करेंगे और कंपनी का भी उसमें ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से हमारा यूनिटी बनते जाएगा, उसके अनुसार कंपनी उस प्रोजेक्ट पे काम करते जाएगी, इसी तरीके से पोर्टफोलियो बढ़ते जाएगा। अभी हमारे पास ऑलरेडी 65 पोर्टफोलियो हैं, आने वाले समय में और भी पोर्टफोलियो बनेंगे, हजारों बनेंगे, लाखों बनेंगे, हमारे पास हजारों कंपनी होंगे, लाखों कंपनी होंगे। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास जैसे जैसे यूनिटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास कंपनी का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा वैसे ही हमारा भी ग्रोथ होगा। तो सुनहरा मौका है हमारे पास जो न्यू है। न्यू के मुख्य 3 पिलर है, पहला एजुकेशन, ओनरशिप और बिजनेस, तीनों चीज में हम पार्टिसिपेट होकर के इसका लाभ ले पाते हैं। ये सुनहरा मौका है। हम लोगों को एजुकेशन सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि हम, हो सकता है कि इस कंपनी से अगर एजुकेशन ना होता तो हो सकता है कि आप पैसा कमाते लेकिन उस पैसा को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस पैसा को सही जगह पे नहीं लगा पाते, उस पैसा से अपना पोर्टफोलियो नहीं बना पाते, उस पैसा को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए कंपनी एजुकेशन पहले देती है कि आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी आपके पास अपार संपत्ति आते जाएगा, उस अपार संपत्ति को आप कैसे पोर्टफोलियो में बदलेंगे, कैसे उसको मल्टीप्लाई करने में लगाएंगे, ये सारी एजुकेशन इसमें जब तक आप नहीं लेंगे
केवल पार्टिसिपेट होकर के रह जाएंगे तो केवल आप सीआरई होल्डर रह के रह जाएंगे तो आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन आप एजुकेशन आपके पास नहीं रहेगा, तो आप वही गलती करेंगे जो आज तक करते आए हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको एजुकेशन की काफी जरूरत है। यही एजुकेशन इस कंपनी में दिया जाता है, सारे एजुकेशन बिल्कुल फ्री कंपनी के ऑफिशियल वेबिनार के माध्यम से मिलता है। वेबिनार से भी आप सुनिए और एजुकेशन को लेते हुए आप अग्रसर रहिए, और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस करते हुए आप अपने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ दूसरे तक अगर पहुंचाते हैं, दूसरे लीडर तक इसको पहुंचाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी लाभ होगा और उनको भी भला होगा, आने वाले समय में उनका भी पोर्टफोलियो बनेगा और आपका खुद का भी पोर्टफोलियो बनेगा। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अब आते हैं हम ऐसे कहना चाहिए कि मैंने तीन चीजों को शुरुआत में बताया था, सबसे पहले लोकल, इसके बाद ग्लोबल, इसके बाद प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट लीडरशिप काउंसिल मेंबर है। यहाँ पे पूरे दुनिया से यानी पूरे देश से मात्र अभी तक टोटल 10 ही हैं यहाँ पे इस पैदान पे पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कंपनी के लेवल तक काम करना पड़ेगा, काम पूरी तरीके से करते हुए यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के लिए काफी आपकी मेहनत की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, काफी कंपनी के मिशन विजन क्लियर होने की जरूरत है। सारे चीज क्लियर होने के बाद आप उसी मिशन विजन को, कंपनी के मिशन विजन को पूरे वर्ल्ड में आप अगर पहुंचाते हैं, कंपनी के साथ में रहते हैं, तो आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सभी लीडर के बारे में, अगर एक एक करके मैं बताऊं तो काफी समय लग जाएगा। सभी लीडर अपने आप में काफी काबिलियत तारीफ हैं और सभी अपने अपने देश में एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए अपना नाम बना चुके हैं, अपना एक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। तो उस काम को देखते हुए कंपनी ने इस पैदान में इनको रखा है और इस उपलब्धि को दिया है। इस उपलब्धि में पहुंच करके इन्होंने काफी मेहनत किया है, काफी अथक प्रयास किया है, तब जाकर के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसमें से हमारे यूएसए से है नैना, और इसी तरीके से इंडिया से एक है लेडीज जो हमारे डॉक्टर लीडिया है, हमारे इंडिया से हरविंदर सर हैं, हरी सर। इसी तरीके से हमारे जाकिस्तान से है जामिलिया मैम, इनका भी काफी कहना चाहिए कि आप लोग देखते होंगे कभी वेबिनार के माध्यम से, तो काफी सभी लोग 100% कंटिन्यू शुरू के दिनों से, जब शुरुआत हुआ तब से जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे बीच में यूएई से हमारे अरमंड मुंद्रिक सर, काफी धुरंधर और काफी अनुभवी, और काफी इनका भी पोर्टफोलियो है। इनका पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने बना चुका है और इस पैदान पे अभी हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हमारे आंद्रे हकवाश हाउकेश, इनका भी बहुत अच्छा है योगदान है। अभी हमारे जो वीआईपी क्लब है यही मुख्य है अभी इनके वीआईपी क्लब के, तो इनका भी विशेष योगदान रहा है इसमें कंपनी में। इसी तरीके से ड्रागोस सांचो, सभी अपने आप में काफी काबिले तारीफ है। मैं बताना चाह रहा हूँ, कई बार बता रहा हूँ कि काफी काबिले तारीफ है, सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे पैदान पे हैं, और नए नए जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सब अपने अपने जगह पे बड़े प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट होकर के उनके सीईओ या और बड़े स्तर पे उसमें काम करते हुए अपना योगदान दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे पास यूजी गेन आ रहा है, उसका हमारे पास इटली से जो ड्रागो सर है वो उनके सीईओ रहेंगे, वो कहना चाहिए कि पूरे हैंडल करेंगे, उनके अंडर पे काम होगा। तो उस तरीके से हमारे बीच में मालदवा यहाँ से है पेट्रो जलवा जी, इनका भी काफी अनुभव है, सारे टीम इन्हीं के अंडर पे आता है, हम लोग इन्हीं के अंडर पे आते हैं, तो समझ सकते हैं कि काफी इनके नीचे कितने स्ट्रक्चर हो सकता है, समझ सकते हैं काफी इन्होंने शुरू के दिनों से ही काम किया है और इस मुकाम पे हैं। साथ में हमारे बीच में मिला मैम का काफी अनुभव है और काफी अलग अलग भाषाओं का भी इनका विशेष अनुभव है, इनका कहना चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन सभी में काफी अनुभव है। उसके अलावा भी इनका काफी कहना चाहिए कि काफी देशों का काफी एक्सपीरियंस इनके पास है, सभी तरह से सब एक्सपीरियंस के साथ में कंपनी के अच्छे पोजीशन पे काम कर रही हैं, साथ में चेयरपर्सन के रूप में प्रेसिडेंशियल काउंसिलिंग के चेयरपर्सन के रूप में भी काम कर रही है। ये यूके से है, इनसे कई बार रूबरू हुए हैं, सबसे पहले इनसे मेरा मुलाकात गोवा इवेंट 2017 में हुआ था। जी हाँ, 2017 समझ सकते हैं, 2017 फेसबुक में भी आप देख सकते हैं मेरे, या तो फिर यूट्यूब में भी देख सकते हैं, पहला बार वही मुलाकात हुआ था। इसके बाद
मिलने के सिलसिला कई बार होते रहा और कई चीजों इनसे मुझे सीखने को मिला। इस तरीके से आप बड़े लीडर से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। मैंने भी सीखने की काफी कोशिश किया, बहुत सारा चीज और सब चीज सीखते हुए मैंने अपने लाइफ में उसको उतारा और मैंने भी आगे अग्रसर अपने काम के प्रति होता गया। अब आगे मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो कंपनी के सीईओ, जितना अभी तक मैं बताया सारे कंपनी के सीईओ का ही श्रेय जाता है, इनके माध्यम से ही इस अपॉर्चुनिटी तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं, इस तरीके से सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है ऐसा मौका में मिलके काम करने का। बहुत सारे लोग हमारे पास पूरे दुनिया में होते हैं जो पैसे उनको कमा करके पूरे दुनिया के लिए वो नहीं कर पाते हैं, अपने लिए तो बहुत कर पाते हैं लेकिन लोगों के लिए ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अपने नाम कहना चाहिए कि उतने ही तक सीमित रखते हैं, लोगों तक उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहुंचाते हैं, लोगों तक उस तरीके से मौका कुछ नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे सीईओ के ऐसे विचार को सलाम करते हैं क्योंकि ऐसा इनका विचार कि हम तो जिस तरीके से सफल हो चुके हैं लेकिन हमारे जैसे और भी जो सफल होना चाहते हैं उन तक मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी लाऊं, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उन लोग भी अपने लाइफ को बदलाव करें, लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव हो, ऐसा अपॉर्चुनिटी देकर के इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। और इस कहना चाहिए कि इसके इनके काम को काफी मतलब इनके इस मुहिम को इसके काम को हम लोग 100% अगर सभी लोग मिल के देंगे तो इस विजन के साथ आपका भी इसी तरीके से मिशन हो कि आप तो सफल हो गए हैं लेकिन आप जिस तरीके से सफल हुए हैं आप अपने जैसे और भी सफल लोगों सफल होने के लिए और भी लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाएं तो भी सफल होंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक नाम होगा, एक पहचान होगा, आप भी एक बड़ा नाम कमा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। तो हमारे बीच में सीईओ आंद्रे होरातो हैं और इनका काफी इनका अनुभव है, तब जाकर के इन्होंने इस तरीके से अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रदान किए हैं। अब आगे क्या, तो अगर हम लोग इसमें सारे चीजों को अगर लेते हैं, सब चीजों को देखते हुए सबसे फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इसमें लेते हैं, मल्टी लेवल सोर्स में पैसिव इनकम हम लोग लेते हैं, साथ में पार्ट ऑफ लाइक माइंडेड कम्युनिटी इसका भी हम लोग बेनिफिट लेते हैं, एबिलिटी ऑफ इंक्रीज एसेट एसेट को भी इंक्रीज करते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ लीव ऑफ लिगेसी, तो सारे चीज आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, आपके डिसीजन के ऊपर है। मैंने जितना भी बताने की कोशिश किया सारा चीज आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, मैंने बिना ब्रेक लेते हुए कंटिन्यू बताने की कोशिश किया है। आप मुझे लगता है कि शायद आपने जानने की कोशिश किया होगा और मेरी बातों को समझ पाए होंगे और समझते हुए पूरे चीजों को समझ पाए होंगे। मैं चाहूंगा कि आगे का कंटिन्यू हमारे एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं जो आपको कंटिन्यू आगे का बताएंगे, उनके माध्यम से आपको आगे का सुनने को मिला है। मैं फिर से मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों को सुने और आपने अच्छा आवाज़ आया होगा और अच्छा समझने की कोशिश किए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मेरी आवाज़ अगर आप लोग समझ पाते होंगे या तो आपको लोग अच्छा लगता होगा या तो आपको लगता होगा कि मैं दोबारा मीटिंग में आऊं, तो एक बार ज़रूर अपना सपोर्ट इसमें लिखें कि मैं दोबारा आपको आपके सामने आकर के दोबारा वेबिनार दूं और आपको एजुकेशन दूं नए नए टॉपिक पे। ये तो इस एजुकेशन में ऑलरेडी कई बार दे चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़रूर मार्किंग करें कि आप दोबारा किस तरीके से मार्क देना चाहते हैं ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। देखिए मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ कि ताकि मैं सीख रहा हूँ नए नए चीज़ों में, यहाँ आकर के बहुत सारे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, साथ में नए नए चीज़ों को सीखते हुए अपना काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो नए चीज़ों में हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव हो रहा होगा मेरी आवाज़ में, मेरी बात में, मेरी बोलने के तरीके में, तो धीरे धीरे बदलाव के साथ में बदलाव होता जाएगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे अग्रसर होकर के हम काम करते जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार मार्किंग करें और मैं आगे का कंटिन्यू करने के लिए जबर जी को देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने 10 मार्क दिया है। मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से और भी वेबिनार में नए सब्जेक्ट के साथ में आऊं। अभी तो सब्जेक्ट जो चल रहा है कंटिन्यू, बहुत सारे पुराने लीडर होंगे उनके लिए लग रहा होगा कि ये तो सब्जेक्ट ऑलरेडी है सर, तो नया सब्जेक्ट जब भी रहेगा मैं आकर के आप लोगों को
उस पे अध्ययन अच्छे से करके उस पे जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हमारे लीडर बोल रहे हैं कि तेलुगु में भी चाहिए सर, बिल्कुल सभी में आएंगे आप लोगों को। तो हमारे बीच में अब जबर जी आ चुके हैं और कंटिन्यू जबर जी का होगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे का कंटिन्यू जबर जी रहेंगे। नमस्कार ध्रुव जी, बहुत अच्छा। मेरी आवाज अगर आप सभी को मिल रही हो तो प्लीज प्लस वन करके आप बताइए, प्लस वन करके आप प्लीज हमें आश्वासन दीजिए कि मेरी आप तक आवाज अच्छे से आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू आप करिए। ठीक है लीडर, आप लोग पूरी एजुकेशन आगे लीजिए, बिजनेस ट्रेनिंग का पूरे बिजनेस ट्रेनिंग का जानकारी लीजिए और पूरी जानकारी लेकर के अपने टीम में भी बताइए और पूरी जानकारी टीम के माध्यम से और भी नए नए पार्टनर को इस अपॉर्चुनिटी को मौका मिले, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट होकर के इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से सुना और मेरी बात आप समझ करके अपने लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा अगर बदलाव होता है तो मेरे लिए काफी खुशी होगा कि आप लोग कोशिश करेंगे, कि कहीं ना कहीं मैं कोशिश किया हूँ, मुझे भी खुशी मिलेगा कि आप कुछ बदलाव किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। ठीक है जबर जी, कंटिन्यू आप करिए। ओके ओके ओके, थैंक्स। बहुत ही शानदार आज जो है एनर्जी के साथ ध्रुव जी ने जो आपको आज प्रेजेंटेशन दी, काफी आप तक पहुंची होगी, अच्छे से आप इसको अब समझ भी पाए होंगे और अपने साथियों को बता भी पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने से पहले सभी का पेशेंस के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा जो है आप सभी को नमस्कार। आगे हम अपने जो प्रेजेंटेशन या अपनी बिजनेस ट्रेडिंग की अगर आगे कार्रवाई करते हैं, उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आपको बराबर मिल रही है? प्लीज प्लीज आप लोग हमें प्लीज बताइए, जिससे कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। ओके, मेरी आपको स्लाइड दिख रही है, आप प्लस वन करके बता सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का बहुत बहुत हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स थैंक्स। ओके, तो मैं इसको अब इसको स्लाइड को ले लेता हूँ। ओके, तो बिजनेस ट्रेडिंग, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रात को आज दिल्ली आ गया था और दिल्ली में हूँ मैं आज, और यहाँ से आप लोगों को सामने आज उपस्थित हुआ हूँ, मौका मिला है और कुछ एनर्जी के साथ आपको देने के लिए। तो बिजनेस ट्रेनिंग का आज मुझे जो पार्ट मिला है आपको बताने के लिए, मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ से जितनी भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, जो मैंने यहाँ से सीखा है और आगे निरंतर हम जो है सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी इस कंपनी में पहचान होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप हमें बता सकते हैं प्लस वन करके कि क्या हम लोग स्टूडेंट लाइफ जीना चाहते हैं या हम समझदार। अगर हम समझदार हैं तो हम मान सकते हैं कि हम ज्यादा नहीं कमा सकते क्योंकि हम ज्यादा समझदार हो। स्टूडेंट लाइफ अगर हमारी होगी तो जाहिर सी बात है हम सीखते रहेंगे, यानी लर्निंग करते रहेंगे और हम आगे निरंतर अब बढ़ते रहेंगे। जैसे कि ध्रुव जी ने बहुत ही आज शानदार तरीके से, बड़े तरीके से आप लोगों को वह बातें बताई जो कि हमें जाननी जरूरी है। कंपनी के हमारी हर चीज को, हमारे को उनकी गतिविधि पे नजर रखना बहुत जरूरी है, और हमारे चार पार्ट हैं, यानी कि हमारे जो मंगलवार को होता है एक प्रोग्राम, उसमें हमारा जो है एपीआई की होती है बात, यहाँ हमारी बिजनेस की होती है बृहस्पति को। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमें हर चीज को कड़ी बाई कड़ी जोड़ के चलना है, ठीक है ना। हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, एपीआई में हमें कैसे अपना समझना है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो हम आगे अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है आपके सामने है कि हम आज जो चर्चा करेंगे आपके सामने, एक्टिव पार्टनर इन योर मिशन पे, ठीक है ना, योर
मॉडल पे हम बात करेंगे, MSCI पे बात करेंगे, एंड हम लोग जो बात करेंगे करियर पे बात करेंगे, मार्केटिंग प्लान टू द मैनेजर तक हम बात करेंगे, एडवांटेज एंड मार्केटिंग प्लान की देंगे। और आप देख सकते हैं हमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें आप तक पहुंचानी है, और आप अगर इस चीज़ को देखेंगे समझेंगे तो आपको पता क्या है, आप वही चीज़ डुप्लीकेट करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसका देख सकते हैं, बिजनेस हमें जो है सिस्टम को हमें ये पढ़ना है 90 दिन के अंदर हमें कैसे क्या चीज़ें, हमारे जो है 8 क्वेश्चन जो है क्वालिटीज ऑफ द लीडर्स, यानी हमारे लीडर के अंदर ऐसी कौन सी 8 क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी टीम का टीम की अपनी ग्रोथ कर पाए, अपनी टीम अपने जो है अपना विकास कर पाए टीम का। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, नेक्स्ट स्टेप हम पे कैसे प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे आप लोग हमें काफी लोग हमारे साथी पुराने भी हैं, जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे से समझते हैं, फिर भी मैं एक अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ छोटा सा। मेरा नाम भरती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल काउंसिल मेंबर हूँ इंडिया से, और न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम लीडर मैनेजर हूँ, मास्टर प्रोफी Level 1 and Level 2 क्वालिफाइड हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, TNG एंड CRU एंड BIP क्लब मेंबर। तो ये थोड़ी सी मेरी पहचान है आप लोगों के सामने, और ये पहचान आपकी भी है मेरे साथ साथ। और अब हम आगे आपसे जो है थोड़ा सा चर्चा का विषय रखेंगे, और हमने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, प्लस में देखिए बहुत जरूरी होता है कि हमें कैसी चर्चा करनी है, हमें क्या बात करनी है, तो ये जरूरी। हमारा मिशन में हमारा इस मिशन में एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए हमें क्या क्या जो है चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, और हमें इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना, इसके साथ साथ हमारा भी मिशन आगे बढ़ेगा, हम भी इसके सहयोगी बनेंगे, हमारे भी कुछ अपने काम हैं जिसके हमारे इनसे जो पूरे हो रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा क्या आप लोग इस मिशन में शामिल होना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इस मिशन में शामिल होना चाह रहे हैं, 1 घंटे मुझे कंटिन्यू सुनने का प्रयास करें, और जो हमारे साथी हैं बरकरार हमारा हौसला बढ़ाते रहें, और देखिए आप लोग रहेंगे हमें और एनर्जी मिलेगी, आप लोग अगर जाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि देखो हम बोलें आप सुने और आपसे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो निरंतर हमारा प्रयास है कि हम आपको कुछ दें, आपसे हम कुछ लें, यानी कि इस मिशन को भी आपकी जरूरत है और आपको भी इस समुदाय की जरूरत है, इस मिशन की जरूरत, क्या हम करना क्या चाहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इन एक्टिव पार्टनर क्या क्या है, मतलब जो लोग हमारे हमारे इस समुदाय में आ चुके हैं, जो लोग हमारे इस समुदाय में आ चुके हैं उनको वो क्या है, और उन्होंने आगे बिजनेस नहीं किया तो उनको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, इन एक्टिव, यानी कि उनको क्या क्या मिल रहा है, ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है इतना ही मिलेगी क्योंकि वो कुछ कर तो रहे नहीं। नेक्स्ट में क्या और उन्हें क्या प्राप्त होता है, इनएक्टिव है, लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, ठीक है ना, ये आपको प्राप्त हो रहा होगा, जो भी है जो भी आपकी भागीदारी है उसके हिसाब से आपको जो प्राप्त हो रहा होगा आपको पता है, ठीक है ना, और आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट बोनस पे आउट वगैरह। तो ये चीजें आपकी हो गई, यानी इनके इनएक्टिव है, आप कंपनी के बिजनेस में शामिल तो हुए पर आपने कोई वर्किंग नहीं की, तो इसलिए आप रह गए इनएक्टिव। अब एक्टिव पार्टनर को क्या क्या मिलता है, देखिए एक्टिव पार्ट अनलिमिटेड इनकम, जैसे पीछे ध्रुव जी ने बताया, ध्रुव जी ने बोला कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इनकम प्राप्त होती है, ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, दो रूप, इन यानी यूनिट के रूप में प्राप्त होगी, बोनस के रूप में आपको CRU पॉइंट प्राप्त होंगे, जो एक्टिव पार्टनर है जिसमें हम लोग भी शामिल आते हैं, और क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, और आपको अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है, और प्रॉफिट बोनस पे आउट, इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम होम, यानी कि आपको जैसे भी सर ने बोला
कि आप अपने घर से बैठ के इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और वो भी घर बैठ के। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, आपको लर्निंग करनी है, सीखना है। इतना काम आपके हाथ में है, इतना कर लीजिए, मेरा दावा है कि आपका बिजनेस चार चांद लग जाएगा। अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, बिजनेस है, ट्रेनिंग ट्रेनर एंड आप स्पीकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बनना है। मेरे पास भी एजुकेशन नहीं थी, मैंने भी यहीं से सीखी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रहना है। देख रहे हैं, आप नहीं करेंगे जितना आपके पास है, और एक्टिव होने से आप उतना प्राप्त करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में आपको शाम में हमारे जो दो वेमिनार, जो महत्वपूर्ण वेमिनार है मंगलवार और बृहस्पतिवार के, ये आपको देखने हैं, जिससे कि आपको अंदर जो आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, आपको ये पता लगा रहे कि हमारी कंपनी कर क्या रही है, हम कितना ग्रोथ कर चुके हैं। हमारे समराई वेमिनार होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। हमारे जो है फास्ट एंड फ्यूचर के प्रोग्राम होते हैं। हमारा अभी हॉट सीट चल रही है, इसकी आपने देखा होगा, हमारा डिजिटल डबल का। तो आप ये चीजों को देखेंगे तो आप कहलाएंगे एक्टिव, और जब एक्टिव रहेंगे तो आप प्राप्त करेंगे क्या, बोनस। और बोनस के रूप में दो चीज आपको प्राप्त होती है क्या, एक तो यूनिट प्राप्त होगा और दूसरा प्राप्त होगा CRU, जो कि आने वाले समय में आपकी लाइफ की स्टाइल चेंज करने वाला है। अब आप देख रहे हैं मेंबर ऑफ द लीडरशिप काउंसिल, ये आप जैसे हैं आप बन सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जरूरी थोड़ा कि हम लोग ही इस पे चिपके रहे, आपका भी हक बनता है। आप अपने अंदर निखार लाइए, विकास लाइए, लीडरशिप अपनी जगाइए और आप इस जगह पे आइए। हम चाहते हैं कि जैसे हम वेमिनार कर रहे हैं, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, आप लोग अपने नाम दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप कंसल्टेंट से ऊपर हैं। मेरा वादा है कि मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ दूंगा। आप अपने अंदर निखार लाइए और मुझे नाम दीजिए, मैं वादा कर रहा हूँ आपको वेमिनार में लेके आ जाऊंगा। आप करिए, अपने लोगों को प्रमोट करिए। तो यहाँ आपको क्या होगा, मंच पे आएंगे, मेरे साथ आएंगे, मैं आपके अंदर किस क्या करें हेरिटेज निकालूंगा, आपके अंदर से वो निकालूंगा, लीडर निकालूंगा, जो आपके अंदर लीडर अंदर बैठा जो निकलना नहीं चाह रहा, मैं उसको निकाल के लाऊंगा। कैसे, जैसे अभी आपने देखा होगा डिजिटल माइनिंग का चल, हमारा डाटा माइनिंग का चल रहा है, क्या है वो, गड्ढे में से लोगों को खोद के लाएगा, डेटा माइनिंग करेगा। वैसे ही हम आपके अंदर से लीडर निकालेंगे। आप समझो आपको करना क्या है, सिर्फ एक्टिव होना है, एक्टिव इनएक्टिव नहीं है ना। एक्टिव हो जाओ, वादा मेरा है कि आप बहुत कुछ कमा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारा यहाँ पे गोल क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हम इसमें आ गए तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम अपने गोल को बनाए। आप देख सकते हो मेरे पीछे मेरा गोल है ये, मैं बच्चों के अपने, मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, मैं देखने आया हूँ, ट्रेनिंग लेने आया हूँ उनकी, कि आप कर क्या रहे हैं। मेरे पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये देखो उन्होंने अपना पूरा IPS के लेवल की तैयारी चल रही है। तो ये क्या है, ये इनका गोल है, और गोल पे फोकस करना हमारा बहुत जरूरी है, हमारे सामने होना चाहिए। अगर हमारे सामने उनके चित्र होंगे ना, तो हम बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको गोल पे भी नजर रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमें वर्ल्ड के सिर्फ और सिर्फ कितनी पॉपुलेशन के पास जाना है, 15%, आप देख सकते हैं। और क्या करना है, अभी हमारे पास क्या है, ये आपके सामने। तो आप समझे हम 13 लाख प्लस हो चुके हैं, और हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमारे इस ट्रेनिंग के पीछे, बिजनेस के पीछे, आपके पीछे, आप समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, और वो सारी की सारी चीजें हम तभी कर सकते हैं हमारे पास लर्निंग होगी। तो निरंतर हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, फिर भी गलतियां कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्टिव है, एक्टिव नहीं होते हमसे भी गलती नहीं होती, हम गलती कर रहे हैं, आप लोग हमारा सुधार कराते हैं। तो हमें क्या करना है, गलती करके सुधार करना है या गलतियों से सीखना है, लेकिन आगे बढ़ना है। मतलब ये नहीं कि हमसे गलती होगी, हम आगे नहीं, आगे बढ़ते रहो, हमें उन चीजों को निरंतर 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 हमें लर्निंग करनी है, जिससे कि एल हट जाए और अर्निंग पे आ जाए हम, समझ लो। और इसके लिए हमें इस हद तक पागलपंती करनी है अपनी
कि क्योंकि देखो हम दो नंबर का कोई काम कर नहीं रहे, हम लीगल हैं 100% लोगों को बताना है। लोग हमारे वही बेकाबू हो सकते हैं जिनको नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज देना मेरा काम है। अगर हम पूरी तरह से अपनी कंपनी के बिजनेस रोड मैप को बताएंगे तो मेरे हिसाब से हमारे साथ जो हमारे समुदाय के लोग हैं जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी जरूर होती है लेकिन अच्छी होती है। तो हमें सच्चाई के साथ बिजनेस करना है, हमें कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है। और ये जरूर हो सकता है कि उनको हमारी ये समुदाय थोड़ा बाद में समझ में आ सकती है, या ये ऐसा हो सकता है कि हमने लर्निंग कम की तो हमें बताने में उनको दिक्कत हो सकती है। तो हमें पहले समझना है, बिजनेस हो जाएगा तो डोंट वरी, आप समझ सकते हैं। कंपनी का एजेंडा सिर्फ 15% तक जाने का है, तो आप अपने क्षेत्र में 15% का एजेंडा बना लो। कंपनी विश्व के अंदर कह रही है, आप अपने क्षेत्र में कर लो, ये हमारा गोल हो गया। अब हम आते हैं सिस्टम पे। अब हम इस सिस्टम को कैसे, इस हम इस सिस्टम में कैसे अपने आप को सर्वाइव करें, हम अपने कैसे बहुस्तरी भीड़ में अपने आप को शामिल करना है, कैसे करेंगे ये मल्टी जो मल्टी बहुस्तरी भीड़ है, किस तरीके से हमें इसमें आगे आना है और इसका एजेंडा क्या है, कैसे हमें इसके अंदर आगे बढ़ना है, वो बढ़ाने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग। आप देख रहे हैं हमारे सामने आपकी साइड आ रही है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। ये क्या है, इसको आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक ब्लॉकचेन। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों को आपको दे चुके हैं, दिखा चुके हैं। आज हम दावे के साथ नाम ले सकते हैं ब्लॉकचेन। क्यों? कि वो भी उन्होंने भी वही काम किया है जो आज हम आपको बता रहे हैं। क्राउड इन्वेस्टिंग ये जो है ना, टोटल हमारा जो काम चल रहा है ब्लॉकचेन है। आने वाले समय में हमें ये भी चीजें सीखनी है। कैसे? अगली स्लाइड पे चलते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है, ट्रेडिशनल बिजनेस दिया है, प्रोडक्ट नेटवर्क बिजनेस दिया है और मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। इन चीजों में आपको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। देखिए, व्यवसाय आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। निवेश और व्यवसाय यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपका जो बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, इसमें आपको एजुकेशन की आवश्यकता नहीं। आपके पास पैसा है, आपके पिता ने पैसा दिया है, हो सकता है ससुराल से मिला, हो सकता है मामा जी ने दिया, और आपने एक अपनी छोटी सी दुकान ले ली और वो भी आपने लेके उसमें सामान भरा और आपने चालू कर दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि शिक्षा तो थी नहीं, अब आपने क्या करा, पड़ोस का एक दुकानदार था, उसको आपने देखा उसकी दुकान पे भीड़ है, तो आपने शिक्षा ना होने की वजह से आपने सामान जो है सस्ते रेटों में देना चालू किया कस्टमर बनाने। अब जब नई दुकान होती है ना, शिक्षा का अभाव होता है, उन्हें भी पता है कस्टमर को बहुत अच्छे से, तो वो क्या करते, उधार आते, उसे पता है उधार देगा नया दुकानदार है, और जब तुम्हारे पास माल खत्म हो जाता है तो वो उसी दुकान पर चला जाता है वापस, और फिर तुम अगर उससे पैसा मांगते हो तो कहता है पैसा सामान तो मैं तुम्हारे यहाँ से लूँ, लेकिन हमें नया सामान दो, पुराने सामान के पैसे ले लो। अब नया सामान लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास थे ही उतने, क्योंकि एजुकेशन नहीं। अगर एजुकेशन होती तो तुम उसको उधार देने के बजाय पहले समझती कि ये हमारे यहाँ से सामान लेगा या नहीं लेगा, उस दुकान से ये आ रहा है मेरे पास सामान लेने, उधार लेने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उस दुकान से भी उसने उधार लिया होगा, उसको भी अटकाएगा, मुझे भी अटकाएगा। लेकिन हमने क्या करा, कंपटीशन के दौर में आके हम लालच में आके हमने अपना नुकसान किया और प्लस में उसका भी किया, पैसा उसका भी एक मैंने तुम्हारे चक्कर में रुका, वो भी लॉस में गया, तुम भी लॉस में गए, तुम तो बिल्कुल लॉस में गए, वो पुराना था इसलिए वो जेल गया। तो ये चीजें हमारे को क्या है, जो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलता है वहां पे हमें लालच सताता है, और क्या कंपनियों में काम से हमें आय होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, कंपनी में जो हम बिजनेस करते हैं ना, उसमें कंपनी में जैसे सॉरी बिजनेस नहीं, हम कंपनी में नौकरी करते हैं, जितने दिन हम जाते हैं उतनी तो हमें सैलरी मिलती है, उससे जो आय होगी उससे हमारा खर्चा चलेगा, और वहां भी हमें एजुकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पानी पिलाना है तो चल पिलाते रहेंगे, जाना है कोई जो भी काम करना है। उसके बाद बिक्री के लिए उत्पाद, यानी कि अगर हमने दुकान कर रही है बिक्री करनी है तो हमें निरंतर प्रोडक्ट की परचेज करनी पड़ेगी, निरंतर आवश्यक है, हमें भर्ती करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री किराया अथवा संपत्ति, ये बहुत सारी जिन चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर एजुकेशन की बात आती तो ये सारे पढ़ाई जी है, एजुकेशन से हमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, लगता है हमें बहुत
कठिन काम है। कठिन काम तब तक है जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं, शिक्षा है हमारे पास कोई कठिन काम नहीं, हम सारे कर सकते। और क्या है लक्ष्य, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या है पैसा कमाओ, ट्रेडिशनल मार्केट का जी बिजनेस ओनली, कैसे भी पैसा कमाओ, चाहे उसका ग्राहक कैसे भी आए हमारी दुकान पे आए, हमें पैसा दे के जाए, हमें कुछ भी दे, हमें पैसा चाहिए। और उसके बाद क्या होता है आपकी कंपनी का स्वामित्व, यानी कि आप उस कंपनी के जिम्मेवार पर्सन भी हैं, आप उससे क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे, तो नफा नुकसान सब आप ही को होने वाला है। उत्पादों सेवा का बार बार खरीदा और बेचा जाता है, उत्पाद को जैसे हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं। मैं आपको हिंदी में वो सारी चीजें बता के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर लगे तो प्लीज हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्या मैं आप लोगों को सही बता पा रहा हूँ, ये चीज सही है कि नहीं ट्रेडिशनल मार्केट में, तो आप प्लस बन करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि समय की कीमत, यानी हमने ये चीज सीखी है आज अपनी लाइफ में, मैं 45 का हो चुका हूँ, मैंने ये चीज सीखी टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम की जो कीमत करता है, जो टाइम का इन्वेस्टमेंट करता है वाकई में दोस्तों बहुत बड़ा पैसा कमाता है। जिसने टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि टाइम का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड शेयर के बाद करूंगा। देखिए जो लोग आज मेरे साथ हैं, जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, उन्होंने आज इश्क में पैसा लगाए या ना लगाए अलग बात है, एजुकेशन लें ना लें अलग बात, लेकिन जो आज उन्होंने अपना टाइम का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, हमें सुना, ध्रुव जी को सुना, वाकई में एक दिन उनके माइंड को क्लिक करेगा, वो अपनी टीम को ग्रोथ करेंगे, अपनी टीम का विकास करेंगे और यहाँ बिजनेस करेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। मेरी कहावत यहाँ पे बिल्कुल मैं साफ सुथरे शब्दों में कहता हूँ, मैं तो टाइम का इन्वेस्टमेंट हर संभव करता हूँ, चाहे कोई भी प्रेजेंटर रहे हो मैं उसे सुनता बहुत जरूर हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगा, जिस दिन कोई मीटिंग आती व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा, डजंट मैटर, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग सुननी है। पूरे सेशन में अगर कोई बात मेरे को क्लिक करती तो मेरे एक क्वेश्चन क्लियर होता है, इसलिए सेशन पूरा सुनना चाहिए। थैंक यू, आगे चलते हैं। यदि आप सक्रिय नहीं हैं, आपने अगर दुकान खोली है और थोड़ा सा भी आपने सक्रियता नहीं दिखाई, तो आप समझ सकते हैं आपका क्या होने वाला, जो आपने पैसा लगाया वो रिटर्न होने वाला नहीं है। कैसे कि जिसको उधार दे दिया उससे आपका अगर सक्रियता नहीं दिखाई, उस पर नजर नहीं रखी, तो वो पैसा चला गया। अब आते हैं हम दूसरी मार्केट में, कौन सी, उत्पाद नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क मार्केट क्या है वहां पे, चलो थोड़ी सी बात करते हैं। लवली, व्यवसायिक शिक्षा कोई निवेश की शिक्षा नहीं होती, वहां पे माल लिया, प्रोडक्ट लिया और बाजार में नहीं, घर घर जाके अपना बेचा या जो भी है, जिस तरीके से वहाँ एजुकेशन के लिए बनने बता दिया कि ये इतने का है, आप इतना है और इस पे आपको इतने परसेंट बचेगा, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ संरचनाओं में काम, व्यक्तिगत बिक्री, आय स्तरों द्वारा आय सीमा, कई निश्चित आय, यानी यहाँ पे जितना आप बिक्री करोगे उतनी ही आय होने वाली है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो आप समझते हो। चलिए, अपने लिए और बिक्री के लिए उत्पादकों को खरीदना आवश्यक है। अगर आप मल्टी लेवल मार्केट में हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक अच्छे पद पे जाने के बाद कंपनी एक ऐसी क्राइट क्षेत्र रख देती कि आपको इतना प्रोडक्ट हर महीने आपको परचेज करना ही करना है, ये बात हमारे हम भी जानते हैं क्योंकि मैं भी उसी लाइन से आया हूँ, ठीक है। दूसरी बात, लक्ष्य, दूसरों की कमाई और मदद करना, दूसरों की सिर्फ, दूसरों के, अपनी क्या है, क्योंकि जब तक आपने काम किया आपको मिला, लेकिन आपके द्वारा जो वहां पे काम हुआ वो निरंतर उनका बढ़ रहा है, आपने अपने लिए कुछ नहीं, जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन आपका समाप्ति, लेकिन उनका निरंतर बढ़ता रहे क्योंकि आपके द्वारा लोग आए गए जो भी है उनका बिजनेस तो चलता रहेगा, तो वहां पे आपने क्या काम किया, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। कोई भी कंपनी जो आपके पास नहीं है, केवल एक उत्पाद है जिसे खरीदा और बेचा जाना चाहिए, आप समझ सकते हैं इस चीज को, एक उत्पाद होता है, बार बार उसे निरंतर अगर बेच पाते तो हो सकता है आपके लिए अर्निंग हो, लेकिन अगर बार बार उसकी रीसेल नहीं आ रही तो आप समझ सकते हो आपकी इनकम नहीं आएगी, आपको निरंतर अगले पायदान पर भागना है। हर समय उत्पाद खरीदने और बेचने की आवश्यकता, यदि आप सक्रिय हैं तो आपकी संरचना खुद को उच्च स्तर तो ला सकते हैं, अगर आप, लेकिन मल्टी लेवल मार्केट क्या कहते हैं, अपनी क्राउड इन्वेस्टिंग क्या कहती है, बहुत ही इजी। मेरे प्यारे साथियों, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद आपका, और आप बने रहिए और नेट की स्थिति अपनी मजबूत रहिए, बहुत आगे। अच्छा, मैं आज आपको एनर्जेटिक चीज देने वाला हूँ, आज जो मैंने अनुभव प्राप्त किया वो दूंगा। समझ में आता व्यापार और निवेश की शिक्षा, आपके समझ में आना चाहिए क्या है, सभी
इस तरह पर आपकी संरचना में आय कंपनी की संपत्ति व्यक्तिगत निवेश होता है। कुछ भी खरीदें और लगातार बेचने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बार खरीदी गई संपत्ति बाकी निवेश पर लाभ परिशोधन प्रदान करती है। आपको एक बार जो आपने लिया लगातार आपको लाभ वहां से प्राप्त होता है। ये होता है MLCI की पावर, ये होती है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग की पावर। रैंक कभी नीचे नहीं आती आपकी, जो आप रैंक पे हैं वो रहेगा। आपके नीचे संरचना जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें जो लोग चाहे वाइस प्रेसिडेंट तक बन जाए, अगर आप लीडर मैनेजर बन गए तो आप लीडर मैनेजर ही रहेंगे, आगे आप बढ़ेंगे। लेकिन आप जो सोचो आपका डिमोशन हो जाए, नहीं, ये पावर है MLCI की। लक्ष्य, सभी लोगों के जीवन और गुणवत्ता और गृह परिस्थितियों में सुधार के लिए सक्रिय भागीदारी। आप समझ सकती हैं इन चीजों, काफी दिनों से चर्चा चल रही है इस पे, तो ठीक है। लगातार बढ़ती आय के साथ नवीन कंपनियों के साथ हम स्वामित्व, यानी कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आते हैं उनमें हम आपको निरंतर निरंतर आपकी हिस्सेदारी, निरंतर आपकी भागीदारी बढ़ती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं हमने शुरुआत क्या करी थी, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से। फिर हमारे साथ क्या जुड़ा, हमारे साथ CRE जुड़ा। फिर हमारे साथ क्या जुड़ा, सुशी मास्टर जुड़ा। फिर हमारे साथ क्या जुड़ा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जो आप तक आ जाए। अभी हमारा डेटा माइनिंग आ गया, सुशी मास्टर की जीनी पे, यूजी पे, सी कार्ड वगैरह, मास्टर। तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं और इनके अंदर आपकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। समझिए, एक दिन समझो हर भागीदारी में से आपको कुछ न कुछ लाभांश प्राप्त होगा। ये है MLCI। गैर, आप समझ सकते हो यहाँ बहुत सारी ऐसी कोई मतलब कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ आपको लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। अब मैं आपको अपने बिजनेस मॉडल को बताऊंगा कि हमारे यहाँ बिजनेस कैसे किया जा सकता है। क्या आप लोग रेडी हैं बिजनेस मॉडल सुनने के लिए? प्लीज, अगर आप लोग रेडी हैं तो हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज बंद दबाइए, जिससे कि मैं आपको बिजनेस मॉडल पे ले चलता हूँ। और आपको मैं बहुत ही शुद्ध शब्दों में आज आपको गहराई तक लेके चलूंगा, कैसे आपको ये बिजनेस मॉडल को समझना है, बारीकी से समझने का प्रयास करें। सर, मेरा भी एक प्रयास है आप तक पहुंचने का, आपका भी प्रयास होना चाहिए मेरे तक कनेक्ट रहने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा, ये पीपल आप दिख रहे ना, ये कौन है, ये मल्टी लेवल आपको दिख रहा है MLM यानी ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केट है, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो चित्र दिख रहा है ये आपको दिख रहा है MLCI यानी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। इन चीजों को आप अंतर से देखें। देखिए, आप मल्टी लेवल मार्केट में हैं तो आप कहाँ हैं, और अगर मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग मार्केट में हैं हमारे साथ हैं तो आप कहाँ हैं। चलो नंबर वन देख सकते हैं, ये एक घेरा है और इस घेरे को आप देख सकते हैं, ये मल्टी लेवल मार्केट है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट का भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या कहती है कि आपने दुकान खोली, आप दुकान के अंदर है, यानी कोई भी कस्टमर आएगा आपसे सामान लेगा वो चला जाएगा, उसको कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, उसने पैसा दिया और प्रोडक्ट लिया बाय, जितने का दिया उतने का। वही MLM, MLM के अंदर जितने दिन आपने वर्किंग की, प्रोडक्ट लिया, आपको उसका लाभांश प्राप्त हो गया, उसके बाद जितने दिन आप गो, आपको कुछ आना नहीं। अब इधर क्या है, इधर देखते हैं, ये हमारी जो है MLCI है। अब देख सकते हैं ये आप घोले के अंदर है, ये एक गोला है, इसके अंदर है, आपने कोई भी हमारा एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को लिया और प्रोडक्ट को लेने के बाद आपने क्या किया, आपका मन नहीं किया, आप जिस क्षेत्र में थे आपने उस क्षेत्र में बिजनेस किया और आप कर रहे हैं। आपने यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे आपको किसी ने बताया, सलाहकार जो भी आपका मेंटर रहा होगा वो बताता है, कई बार ऐसे भी लोग बहमिस्ता में आ जाते हैं कि उनको प्लान पूरा नहीं होने के बाद वो भटकते हैं। वो भटकते क्यों, भटकाव के कारण भी बताएंगे, पहले ही आप इस पॉइंट पर रहें, हम लोग बताते कि आप घेरे के अंदर हैं, यानी कि आपको मालिकाना हक मिला है जितना। जैसे एक ऐसे मान के चलिए एक होटल है और होटल है 20 करोड़ रुपए का और 20 करोड़ रुपए उसको व्हाइट मनी चाहिए, नंबर एक समझ ले, व्हाइट मनी चाहिए। व्हाइट मनी में किसी के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है लेकिन व्हाइट मनी क्या होता है, पूरा टैक्स पे ही होना चाहिए। अब क्या करता है, उस होटल वाले को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करता है, उसके टुकड़ों कर देता है, कैसे कर देता है, ब्लॉकचेन बना देता है उसका, क्योंकि आप ये हमारा होटल है इसमें सभी की हिस्सेदारी है, कितनी, कोई लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 4 लाख। अब ये जो पेमेंट आ रही है उसके खाते में
उसमें उतने की उसकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि होटल है वो, होटल में जब भी कस्टमर आएंगे खाना खाएंगे, जब भी कस्टमर आएंगे जब भी उसमें ठहरेंगे, जो उसको पैसा देंगे, तो जिसने जितना पैसा दिया उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी डल गई। अब जो एक मालिक था उसके हो गए 100 मालिक, और 100 मालिक ने जो भी महीने में अर्निंग की या सालाना जो भी उनको राजस्व प्राप्त हुआ, उसमें से उनको मालिकाना हक प्राप्त हुआ, यानी कि वो भी मालिक बने रहे, उसका भी काम चल गया। इस तरीके से ही मल्टी लेवल जो हमारी MLCI है, MLCI पावर, आपके पास जो स्टार्टअप के प्रोग्राम आ रहे हैं आप देख सकते हैं आपका वहां पे मालकाना हक हो रहा है, तो यहाँ पे आप अंदर हैं, इसकी पावर को समझने का प्रयास करें। थैंक यू। अब आपको मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कैसे अपने आप को हमें सफल बनाना है इस बिजनेस में, ठीक है ना, कैसे हमें अपने आप को सफल बनाना है, और आपकी जो पुनः मिलन की जो भी आपकी जो प्लान है वो कैसे हमें आगे लोगों तक लेके जाना है, इस पे हम थोड़ा सा गंभीरता से विचार करते हैं। तो चलिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज जिसको देख सकते हैं, पार्टनर, अगर आप पार्टनर हैं तो आप 30 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक आप पार्टनर रहेंगे, 50 से 300 तक आप जो है पार्टनर, या इनकम भी दर्शाई जा रही है, दोनों चीजों से समझते चलें। 300 से यहाँ पे ये भी देखें, 30 अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया है पैकेज तो आप पार्टनर हैं, जब तक 200 आप नहीं कर लेते हैं आपके नीचे दो साथी नहीं आएंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बताने का प्रयास करूँगा, आप समझ सकते हैं। तो 50 से 30 यूनिट 300 यूनिट प्राप्त कर सकते हैं, और कंसल्टेंट है तो 300 से 1000, क्योंकि अपनी संरचना का हमें नीचे फैलाना है, जब तक हम उस चीज को फैलाएंगे नहीं, जब तक हम उसको ज्यादा मल्टीपल लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये अर्निंग पाना हमें संभव नहीं है। कैसे पाएंगे वो भी हम आपको बड़े इजी सिंपल तरीके से बताऊंगा। कंसल्टेंट बनते हैं तो 300 से 1000 तक कमा सकते हैं, मैनेजर हैं तो 1000 से 10000 तक जा सकते हैं, लीडर मैनेजर हैं तो आप मैनेजर हैं, लीडर मैनेजर 5000 से 20000 ये आप मंथली इनकम कर सकते हैं, ठीक है। टॉप मैनेजर हैं तो आप 10000 से लेके 50000 यूनिट तक आप अर्निंग कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आपको 50000 से 1 लाख, और प्रेसिडेंट हैं तो 1 लाख से 10 लाख यूनिट तक आपकी मंथली इनकम होने की पूरे के पूरे चांस है। कैसे कैसे, मतलब इस कैसे को जरूर क्लियर करना है, कैसे हो सकते हैं इस पर चलते हैं। तो एजेंट, यानी एजेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, जो हमारा प्लान है वो प्लान हमारा कैसे डिजाइन है आप देख सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा आपको इस तरीके से कंपनी ने दर्शाया है कि आप बड़े इजी तरीके से समझें। आप आए, आपने अपने एक हमारा एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को लिया, और लेने के बाद आपने किन्हीं दो साथियों को आपने हमारे जो है नीम, जो हमारा समुदाय है, बिजनेस मॉडल है, उसको आपने पूरी की तरह से समझ लिया और लोगों तक समझाने लगे। यानी बिजनेस के लिए आप पहले क्या थे, आपने अपने आए, एंट्री की, आपने एजुकेशन ली, उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ आपको मालकाना हक मिला, यानी को ओनरशिप मिली, आपको सह मालिक बने, उसके बाद आपको क्या हुआ, बिजनेस करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली, तीन प्लर हो गए, तीनों प्लर पर जैसे हमारे अभी ध्रुव सर बता के गए, तो आप समझ सकते हैं। अब आप जी बिजनेस मॉडल पर चल रहे हैं, बिजनेस मॉडल को आप देख सकते हैं, आपका अकाउंट जो है 200 यूनिट से होना चाहिए, और पार्टनर आपके जो होने चाहिए 200-200 यूनिट से होने चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राप्त क्या करेंगे, यहाँ आपने 200 यूनिट से अपना अकाउंट अपडेट किया, आपने अपने जो स्ट्रक्चर में दो लोगों को शामिल किया वो भी 200 यूनिट से, आप क्या हो गए, चलिए देखते हैं, एजेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, ये एजेंट का है, और बाई मिस्टेक, हाँ ठीक, ओके, एजेंट रैंक है यहाँ पे, आपने अपने जी प्राप्त किया। अगली रैंक क्या है, कैसे, ये है कंसल्टेंट, यानी कंपनी की जो बहुत ही बढ़िया जो स्टेटस है उसका बोलते हैं हम कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ये क्वालिफिकेशन जो हमारी कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड है, स्टेटस कंसल्टेंट हो जाए, इट इज, आप देख सकते 500, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, 500 यूनिट से आपका अकाउंट होना चाहिए, 200 यूनिट से आपने पहले अपना अकाउंट को ले रखा है, उसमें आपको 300 और अपडेट करने हैं, और आपका जो लेवल कंसल्टेंट के लिए क्लियर होता है। आपको कंसल्टेंट कैसे बनाना है, आप दो लोगों से तो आप एजेंट बने, दो लोगों से
आप एजेंट बने, वही क्रिया आपको अपने नीचे पार्टनरों को कराना है। जो आपके पार्टनर थे दो आए तो आप एजेंट बन गए, अब आपने दो लोग और लगाए, क्या चार हो गए आपकी संरचना में, आपके स्ट्रक्चर में कितने हो गए, चार साथी। जैसे कि आप स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं, वन यानी एजेंट, टू यानी एजेंट, तीन ये काला सा घेरा दिख रहा है, आप समझ रहे, ये भी आपके डायरेक्ट थे, आपने ही इनको इनवाइट किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना के छोड़ दिया, या इन्होंने एजुकेशन लेके छोड़ दी, ये कोनर बन चुके, मालिकाना हक इन्हें मिला, इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम नहीं किया, और इन्होंने गलती एक की, गलती में बोलूंगा, इन्होंने किन्हीं दो साथियों से आपको मिलवा दिया था, और वो दो साथी को क्लिक कर गया माइंड में कि मैं बिजनेस करूंगा नीव समुदाय में, क्योंकि एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग की हमें मिलेगी क्या, एजुकेशन, और हमें नीव हमारा क्या देगा, बिजनेस, कौन सा देगा, MLCI मॉडल का। तो ये चीजें हमें समझनी है, और इसके साथ साथ हमें बिजनेस मॉडल। तो आपके जी दोनों लोग जो है डीप में से आ गए, तो आपको दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट, समझ रहे हैं, वही आपके, लेकिन दो इनडायरेक्ट चलेंगे, जो हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो इस तरीके से बताता है। तो आपका क्या हो गया, कंसल्टेंट हो गए। अब आपका जो है, जैसे लिखा भी स्ट्रक्चर में, आप मिनिमम आपके दो एजेंट आपके अपने होने चाहिए पर्सनली इन्वाइट, और दो एजेंट आपके एंटर पर्सनली डेप्थ में से चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, और इसको पिक्चर बना के, जैसे आप मेरे पीछे ये चित्र देख रहे हो ना, इस तरीके से पिक्चर बनाओ, यानी रात और दिन आपके मानचित्र बन जाए कि हमें जी लोग ऐसे करेंगे, और बहुत जल्दी काम होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हमारा कमीशन का स्लैब है, हमें जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उससे प्राप्त क्या होगा, यानी हमें अर्निंग क्या होगी, ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ अगर हम पार्टनर थे, यानी कि हम आए और हमने किन्हीं दो साथियों को लाए, तब तक हम पार्टनर थे, एजेंट हम बाद में बने, तो हमें क्या मिला, लेवल वन, यानी लेवल वन से हमें 8%, लेवल टू से हमें मिलता है 5%, लेवल थ्री से मिलता है हमें 3%। 3% ये क्या है, मैं आया, मैंने एक व्यक्ति को लाया, इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लाया, इसने तीसरे को, तो ये मॉडल हो गया 8, 5, 3, 3, यानी समझ सकते हो। लेकिन हमें फोर्थ लेवल से इनकम आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें पार्टनर, अब हमें क्या है, अपनी रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो रैंक अपग्रेड होती है हमारी एजेंट, एजेंट पे हमारे को 8, 7, जहां पे हमें 8 आ रहा था वहां पे रेगुलर 8 आएगा, जहां पे हमें 5 आ रहा था वहां पे हमारे को 7 आएगा, यानी सेकंड लेवल, जहां पे हमारे को 3 आ रहा था वहां पे 4 आ गया, और एक लेवल और खुल गया जो कि फोर्थ लेवल से हमें 3% भी आने लगा। अब जैसे ही हमने इसको अपग्रेड किया, इसको भी अपग्रेड किया, तो हमें पांचवें लेवल की इनकम चाहिए और अनलिमिटेड डेप्थ की इनकम चाहिए, तो हमें क्या करना, कंसल्टेंट यानी सलाहकार बनना पड़ेगा। सलाहकार की आप देख सकते हैं 8, 7, 5, वाह कितना अट्रैक्ट बिजनेस दिया, कितना हमारे को सराहनीय कमीशन आता है, इस पे हमें काम करना, बोनस जो मिलता गजब। और इसके साथ साथ एक ऐसी चीज और मिलती है जो हमारा गुल्लक का काम करती है, यानी हमें पैसा बचाने की जरूरत नहीं, जो आ रहा है ये वो हम टीम पे भी खर्चा कर सकते हैं, हम खुल के बाजार में जाके बिंदास तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे नीव समुदाय ने, हमारे MLCI बिजनेस मॉडल ने एक चीज ऐसी छुपाई है जो कि आपको अभी बताऊंगा। तो मैंने हमारे को क्या है, जब सलाहकार बन जाते हैं तो 3% हमारे को फिफ्थ लेवल से आता, और 6th लेवल से अनलिमिटेड डेप्थ तक हमारे को 2% से लेकर 3.5% तक, इस तरीके से हमारा लेवल बाय लेवल आप देख सकते हैं, स्लैब बाय स्लैब आपको हमारे को हमें बोनसेस प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ से हमारे जो कंसल्टेंट जो स्टेटस है यहाँ तक हमें 3% फिफ्थ डेप्थ खुलता है, ऊपर से हमारा 8, 7, 5, 4, 3, उसके बाद हमारा जो स्लैब, जो हमारा जो बोनस स्लैब जो कमीशन बढ़ता है वो 6th लेवल से बढ़ता है। तो कैसे, कंसल्टेंट पे हम 2% से 3.5 पे थे, मैनेजर बनते हैं तो 4 से लेके हम 5.5 तक जाते हैं, लीडर मैनेजर पे 6 से 7 तक जाते हैं, और अगर टॉप मैनेजर हैं तो 7.4 से लेके 7.8 तक जाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं हम 8.3 से लेके 8.6 तक जाते हैं, और प्रेसिडेंट जी हमारी लास्ट हायर रैंक है, जहाँ पे आने के बाद आप अपने आप को एक अच्छा नेता समझेंगे, और ये मेरा भी प्रयास है कि मैं बहुत जल्दी इसे अचीव करूंगा, ये मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। 9.1 से लेके 10% तक आपको इनकम मिलेगी। सभी के पेशेंस को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छा से आपको जानकारी मिलेगी, और क्या मिल रहा है इसके साथ देखिए।
एक्सप्रेस बोनस कैलकुलेशन। अब आप कहोगे कि यहाँ आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत सुनी है ना आपने इंडिया लैंग्वेज में, हम लोग अपने जो है तो वो तो बोलते ही, आम के आम गुठलियों के दाम कैसे हैं सुनिए। अगर आप एजेंट बनते हैं तो आपको 350 CRU सॉरी 350 आपको यूनिट प्राप्त होते हैं, कंसंट्रेट बनते हैं तो आपको 800 मिलते हैं, मैनेजर बनते हैं तो 1700 है, लीडर मैनेजर है तो 4000, टॉप मैनेजर है 8000, वाइस प्रेसिडेंट 15000 और प्रेसिडेंट है तो आपको 20000 से 1,34,000। लेकिन इसमें एक कंडीशन है आपके लिए, इसे जानना बहुत जरूरी, इसके आप रूप में चलेंगे तभी आपको ये बोनस प्राप्त होंगे और इसकी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी। कैसे, उस पर आपको हम रोशनी लगाते हैं। एक्सप्रेस बोनस फॉर क्वालिफिकेशन हमारा जो प्रमोशन ऑफर जो हमारा चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था हमारा, ये आपके लिए गोल ऑफ द प्रमोशन हेल्प पार्टनर्स इन द वन लाइन इंक्रीज देयर स्टेटस, स्टार्ट ऑन द जो हमारा जो हुआ 30 तारीख तीसरे महीना 2020 यानी मार्च में। ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट बोथ न्यू एंड, अब ये हमें जो भी रजिस्ट्रेशन हमें करने नए चाहिए, पुराने वाले नहीं, ठीक है ना, और कहाँ से, न्यू यानी एकेडमी से, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग, आप समझ सकते हैं कहाँ से हमें अकाउंट बनाने उनके एकेडमी से, ठीक है। तो ये जो ऑफर है इसकी लास्ट डेट जो है 31/12/2020, समझ सकते हैं 31/12/2020 तक अगर आप वाइस प्रेसिडेंट तक जाते हैं तो ये आपका, मैंने आपको बता दिया कि ये गिफ्ट आपका रखा है, आप 31 तारीख दिसंबर तक आप चल के आइए, आपके वहां पे स्वागत है, आपका वो सामान रखा हुआ आप उठा के ले जाइए, मर्जी आपकी है। अब इसमें कोई भी मेरा भाई, अगर कोई मेरा भाई कोई स्लो चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई कैसे भी चल रहा है, यहाँ पे सब तरह से चलेगा, लेकिन सबके लिए यहाँ पे गिफ्ट रखा है, आज से ही शुरुआत कर लीजिए अपनी, ठीक। चलो बहुत सारी चीजें हैं, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। एजेंट कैसे बनाएंगे, इस ऑफर को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस ऑफर को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी फर्स्ट लाइन में यानी लेवल वन यानी कि मैं हूँ, ये मेरा है, मैं अपने आप को मानता हूँ, यहाँ से हमें 5 लोगों को लगाना है। नंबर वन, जैसे आपको स्लाइड ये दिख रही है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर, ये आपसे डायरेक्ट होने चाहिए 5 लोग, ठीक। और आपको समय मिल रहा है इस जगह पे 39 डेज यानी 39 दिन मिल रहे हैं। अगर कोई साथी आ जाता है आपके नीचे और आपकी आईडी अकाउंट जो बनता है कल, तो कल से आपका अकाउंट होगा 39 दिन। अब 39 दिन के अंदर आपको ये दिख रहा है कि 350 हमारे को यूनिट मिलने वाले हैं, 39 दिन होते 5 लोगों को, अगर 5-5 का प्लान करते हो, प्रतिदिन 5 लोगों को आप प्लान करते जाइए, आप 39 दिन में, मैं बता रहा हूँ ये तो आपको मिल ही जाएगा 350, और क्या मिल जाएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट 200 से होना चाहिए, आपके 5 साथियों का 200 से होना चाहिए, 200 का आप समझ सकते हैं या 250 का, 250 नोट का आप ले लो, बहुत ही अभी जो अंक भी आपको अच्छे मिल रहे हैं 1379 मिल रहे हैं, तो आप 250 वाला पैकेज लोगों को लाइए। और बहुत सारे हमारे ऑफर्स आते हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कंसल्टेंट, देखिए कंसल्टेंट बनने के लिए वही चीज है, वहां पे आपको अपग्रेड है, अगर आपने 200 से अपग्रेड कराया तो 300 आपको मिलाने, लेकिन 5 लोग जो 5 साथी आपके पर्सनली होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए आपसे, पर्सनल इनवाइट किए हुए चाहिए, यहाँ बोथ में नहीं चलेंगे, इनडायरेक्ट नहीं चलेंगे हमारा वो, उस प्लान से आपको अगर कंसल्टेंट बनना बनिए नो डाउट, लेकिन वहां से अगर बनते हो उस वाले प्लान को देख के चलते हो, उस पर बनते हो तो आपको क्या 800 यूनिट नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेस बोनस में अपन आपको आना है तो आपको करना क्या है, आप अपने से 5 लोगों को लगाइए, 5 लोगों को अचीवमेंट कराइए, उनको भी 39 दिन के अंदर 350 उनको जो है इकाई दिलवाइए और आप 800 इकाइयां प्राप्त कीजिए। इसके बदले और भी हैं, और भी बहुत कुछ है, इसको आपको और कुछ मिलने वाला है। तो क्या मैं आप तक प्लान सही पहुंचा पा रहा हूँ, थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, कुछ स्लाइडें ज्यादा नहीं रही हैं, उसके बाद देखते हैं, आप लोग प्लस वन करके हमें बता सकते हैं, थैंक यू। दोस्तों ये कोई डॉक्टर भूदेव जी हैं,
मैं सर पार्टनर की स्लाइड को दोबारा, चलिए समय निकलता है तो मैं सर आपकी बात को दोबारा से दिखाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, आप बने रहिए मेरे साथ। ओके, तो ये कंसल्टेंट का था, मेरे ख्याल से आपको सही से जानकारी मिली होगी, मैंने अपना अनुभव दिखाया है। मैनेजर में आप देख सकते हैं 1000 यानी 500 आपको कंसल्टेंट में आपने लगाए हुए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, 500 और डालनी है, 500 और आपने इकाइयां यहाँ पे डाल के अपडेट करनी है। उसके बाद क्या करना है, अपने जो 5 साथी हैं, जो 5 साथी एजेंट थे, उन्हीं को आपको कंसल्टेंट बनाना है। और उसके बाद आप क्या, आपका रैंक जो होगा, आपका जो स्टेटस होगा मैनेजर का होगा, आपके साथियों का जो आपके 5 साथी हैं उनका सलाहकार का होगा, और आप प्राप्त करते हैं 1700 यूनिट आपको प्राप्त होते हैं और 800-800 यूनिट आपके सलाहकार मित्रों को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपने क्या 1000 लगाए। अब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके आम गुठलियों के नाम, जैसे मैंने बोला था कि आपने अपने, मैं मान लेता हूँ 1000 यूनिट लगाए, यहाँ तक आपने 350 प्राप्त कर लिए, 800 आपने एक प्राप्त कर लिए और 1700 आपने एक प्राप्त कर लिए। मेरे दोस्त ये बताइए, बिजनेस करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? यहाँ आपको प्राप्ति हो रहा है, यहाँ आपसे लग नहीं रहा। ये है MLCI की पावर, ये है नीव समुदाय, ये है हमारी कम्युनिटी, इसको कहते हैं बिजनेस। अगर ऐसा कोई बिजनेस है मेरे दोस्त, वादा कर रहा हूं हमारी नकल करेंगे लोग, ऐसा बिजनेस नहीं ला सकते, ऐसा मॉडल चूज करके नहीं ला सकते। क्योंकि हम विश्व में, हमने ये क्रांति लाने, हमारे जो नीव समुदाय के हमारे जो CEO हैं अंदराय होबरा, तो वो ऐसे शख्स हैं कि समराय वेमिनार लेके आते हैं। और दोस्त पहला ऐसा CEO है जो आपके सामने 1 महीने में 1 बार रूबरू होता है, अपनी शक्ल दिखाता है, अपना पूरे मिशन विजन क्लियर करता है। तो दोस्तों ऐसे समुदाय के साथ काम करना चाहिए जिसका मेंटर ही अच्छा हो, जिसका सलाहकार अच्छा हो। आप समझते हो, अगर आपको पैसे वाला होना है पैसे वाले के साथ रहिए, अगर आपको दारूबाज बनना है दारूबाज के साथ रहिए, अगर आपको, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे विचार होंगे वैसे विचारों के लोगों के साथ आप जाएंगे, ये आपके। लेकिन हमें विचार अपने चेंज करने, अगर मुझे पैसे वाला बनना है, एजुकेशन लेनी तो मुझे टीचर के पास जाना पड़ेगा, पैसे वाला बनना है तो मुझे पैसे वाले की सलाह लेनी पड़ेगी, ना कि किसी, आप समझे, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, वो भी इंसान है, इसलिए नाम नहीं लूंगा। मतलब कहने का मेरा मतलब उद्देश्य ये है, अगर हमें कामयाब होना तो हमें पैसे वाले और सलाहकार के पास जाना चाहिए। और हमें ऐसा कुदरती मिल चुका है, नीव समुदाय प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के द्वारा हमें ऐसा, मतलब हमारे को सलाहकार मिला जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, मैं धन्य हूँ ऐसे सलाहकार को पागे। चलिए मैनेजर पे आते हैं। मैनेजर पे आपने देखा ये चीजें, तो मेरे ख्याल से आपके आम गुठलियों दाम वाला किस्सा क्लियर, यानी कि आपने कितना 350, 800, 1150 और आपको 1700, 1100 और 1700 कितना हो गया, आप देखते हैं 1800, 1850 और आपका लगता कितना यार, कितना नहीं ज्यादा हो गया, 11 मतलब 2800-2900 हो गया। आपने 1000 ही तो दिया, यहाँ से आपने इनकम की, ये तो आपने बोनस प्राप्त किया। लेकिन लेवल 1 से जो आपको 8%, लेवल 2 से 7%, लेवल ये जो बिजनेस जो आया ये क्या है, ये आप, इसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, ये तो आपके जेब में ही गया ना। तो यहाँ 100% आपको कामयाबी मिलेगी दोस्त। समय लग सकता है सीखने में, आपको पैसा कमाने में समय नहीं लगेगा। एक बार सीख लीजिए इस जादू को, पैसा ऐसे आता है ऐसे। लीडर मैनेजर पे आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका जो अपडेट होनी चाहिए, जो आपका अपना जो अपडेट होना चाहिए 25 यूनिट का होना चाहिए, 2500 यूनिट का होना चाहिए, और आपके जो मैनेजर साथी हैं उनका 1000-1000 यूनिट से होना चाहिए। और आप ये इस रैंक के जो आप जो अचीव कर सकते हैं वो 125 दिन आपको मिलते हैं। दोस्तों मैं पीछे एक चीज बताना भूल गया, आपको यहाँ पे जो है मैनेजर पे 114 दिन मिलते हैं, मैनेजर के लिए आपको 114 दिन मिलते हैं, और आपको कंसल्टेंट बनने के लिए 64 डेज मिलते हैं, और आपको जो एजेंट थे आप एजेंट के लिए आपको 39 दिन मिलते हैं। तो आप इस चीज को समझते हैं, इस चीज को मैं दोबारा से रिवाइज कर दिया हूँ, ये चीजें ध्यान रखना, टाइम लिख लेना। यहाँ पे आपको लीडर मैनेजर के लिए 125 दिन मिलते हैं, 125 दिन के अंदर ही
आपको ये अचीवमेंट करना, नहीं तो आपको जो 4000 यूनिट प्राप्त होने वाले वो नहीं होंगे और वो आपका अपना अगले रेस में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आउट हो गए इस गेम से, मैराथन है एक तरह से, मैराथन मान के चलिए। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और बने रहिए, थोड़ा सा हमें लगता है कि ठीक है, मैं अपनी तैयारी करूं। मुझे लगता है कि मेरा नेट गड़बड़ कर रहा है क्या। चलो आवाज आ रही है, ओके। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी टॉप मैनेजर की है। टॉप मैनेजर पे हमारा 5000 का होना चाहिए और 5000 के बाद आपको जो है 5000 यूनिट का होना चाहिए। आपके लीडर मैनेजर का 2500 का आपको दिन मिल रहे हैं 150। तो 150 दिन के अंदर आपको ये चीज अचीवमेंट करनी है और व्यक्तिगत आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, तो हम आपको कॉपरेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट पे आपको जो समय मिलेगा 175 दिन। आपके नीचे जो 5 के जो डायरेक्टर ले आ रहे थे, यहाँ पे आपको सहूलियत दी गई कंपनी ने, कहा 4 टॉप मैनेजर चाहिए आपको, आपके डायरेक्ट होने चाहिए, आपका अकाउंट जो होना चाहिए 8000 से होना चाहिए, आपको जो प्राप्ति हो रही है यूनिट जो अगर अचीवमेंट करते हो इतने दिन के अंदर 175 दिन के अंदर, तो आपको मिलते हैं 15000 यूनिट। यानी कि आपने 8000 लगाए इस लेवल पे आके, अपडेट में चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो मैं एग्जांपल लाइव दे रहा हूँ। 8000 15000 इस लेवल पे आपने क्या कमाया देख सकते हैं, कितना कमा लिया होगा आपको वो भी चीजें बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे आपको क्या मिलता है, आपको देखिए दो आपको यहाँ सहूलियत कर दी गई है। अगर आप दो वाइस प्रेसिडेंट लाते, आप प्रेसिडेंट बन जाते, आपका अकाउंट होना चाहिए 15000 यूनिट का, 15000 यूनिट, और आपको प्राप्त क्या हो रहा है देख सकते हैं, 20000 यूनिट आपको गिफ्ट मिला, 20000 यूनिट। और आपकी डाउनलाइन में अगर और लोग आते, 3 अगर वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, यानी डायरेक्ट आपने 5 बना दिए, तो आपको 1,34,000 सीओ क्या नाम है यूनिट प्राप्त होंगे। ये है हमारे एमएलसीआई की पावर और ये आपको प्राप्ति करनी मात्र, टोटल जो समय मिला है आपको वो आपको 30/3/2020 तक ही आपको ये अचीवमेंट प्राप्त करना है। इसलिए टोटल समय जो आपको मिला है 30 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक, मैं पूरा बता रहा हूँ समझ लेना। ऐसा नहीं कि आज आईडी लगा, आज आपने अकाउंट बनाया और आज से आप 225 जोड़ने लग जाओ, दोस्तों गलती हो जाएगी। ये आपको आपका जो आज आप लग रहे हो, आपको काउंटिंग तो चल रही है, लेकिन आपको जो 31 दिसंबर तक करना है, जो ऑफर जो है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर के बाद नहीं है, ओके। तो इस पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप कहोगे मुझे इतना समय दिया जा रहा है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, आपको 31 दिसंबर तक ये अचीवमेंट करना है, क्योंकि आप लेट आए, आप लेट आए, क्यों आए, क्योंकि आप मार्च में नहीं आए थे, मार्च से आते तो आपको पूरे 225 दिन मिल जाते। थैंक यू। तो आगे चलते हैं, प्रेजिडेंट के लिए आप ये देख रहे हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्रिएट लिस्ट और हमें पर्सनल कैसे लोगों को, क्लाइंटों को हमें मिलना है, तो ये थोड़ी सी चर्चा का विषय बनाते हैं। ये हम इस तरीके से अपनी लिस्ट बना सकते हैं, हम फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल सकते, यूजर नेम, सोशल नेटवर्क यूजर नेम, मैसेजर, द फर्स्ट स्टेप इन द जो है इन्फॉर्मिंग, डेट डाल सकते हैं हम कब मिले थे, और द फर्स्ट स्टेप इन द इन्फॉर्मिंग कंपनी, नहीं हाँ कॉमेंट्री, यानी हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, हम उससे कब मुलाकात की, उसका नाम क्या था, उसका यूजर नेम क्या था, उसका सोशल नेटवर्क क्या है, यूजर नेम यानी उन्हें मैसेज करना है, द फर्स्ट स्टेप यानी इन्फॉर्मिंग, हमें ये सारी चीजें इस चार्ट पे अपने डालनी, जिससे कि हमें याददाश्त बनी रहे, जिससे कि हमें ढूंढना ना पड़े, हमें हर चीज की अपनी एक डिटेल बनानी पड़ेगी। और हाउ टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर द योर बिजनेस, तो हमें देख सकते क्या ये बताते हैं, ये आपको हम पहले बता चुके हैं थोड़े, हमारे जो 20 सेक्टर्स हैं, ये हमारे आपके सामने हैं 20 सेक्टर, इनको आप देख सकते हैं, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। और चलो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें अपना गोल करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं लास्ट ऑफ क्लाइंट हमारे जो है 1000 यूनिट एंड क्रिएट एंड प्लान 90 दिन के अंदर है, और इस पे जो आप देख सकते हैं 30 दिन के अंदर हमें कंसल्टेंट स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी 5000 यूनिट बोनस ये हमें प्राप्त होगा, वाह यदि बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं। MLM every 2 week study investment,
ये दोस्तों इस पे थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ये एक पहेली की तरह से आप समझ सकते हैं, ये ऐसी पहेली की तरह से आप समझेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई में ये हमारे लिए है। सपने, आपको अपने ड्रीम को देखना है, आप ग्राहकों की सूची आप तैयार कीजिए, ठीक है, और आप जो है 1,090 दिनों के लिए एक योजना बनाए आप, और MLM व्यवसाय के बारे में हर 2 सप्ताह में एक किताब पढ़ें, अध्ययन आपको करना पड़ेगा, और अध्ययन निवेश सलाहकार संरचना निवेश में, यानी 3 से आपको 5 ये बात करनी पड़ेगी, हमें बोनस 3 से 1,000 ये प्राप्त होता है, कैसे, क्योंकि हमें 5 एजेंट अपने बनाने, निजी और समन प्रस्तुति, ये हमें सारी चीजें 60 दिन के अंदर, ये हम मतलब एक आपको ऐसा होमवर्क टाइप से दे रहे हैं, आप समझो, आप क्या करेंगे, 5 सलाहकार संरचना निवेश ये वगैरह, इस तरीके से आपको ये सारा का सारा सारांश दिया गया है, आपको आपको ये करना है, ठीक है ना, निजी और क्षेत्रीय विकास पे बात करनी, मैनेजर पे 20 सलाहकार आपके चाहिए, संरचना निवेश आप 20 अपने और 2,000 के भीतर रेजिडेंस आप बोनस 1,500 यानी 5,000 कर सकते, सम्मेलन आप 100 से अधिक साझेदार यानी 30 सलाहकार, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल की आपको ये करना है, और ये 3 महीने का आपको 90 दिन के अंदर ये आपको अपने सपनों जैसे पहली लाइन में लिखा ये चीजें अगर आप करते हो तो आप 90 दिन में ये चीजें प्राप्त कर लोगे। अब ये हमारा थोड़ा सा है 8 qualities ऑफ द ऑफ ए ट्रू लीडर, यानी कि हमारे अंदर ये जो लीडरशिप होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कैसे कैसे मतलब एक बाहर के उत्पाद कंपनी व्यवसाय के बारे में जाने और सभी उत्पादों प्रस्तुतों को समझें, खुद का एक ग्राहक आधार विकसित करें और एक भागीदारी दोहराएं, मदद करें, एक नियमित आधार पर बैठक और प्रस्तुति प्रति माह 500 से 1,000, भाई मतलब पीछे जो मॉडल थोड़ा सा बताया उसको हमने दोबारा से, यानी एक लीडर के अंदर ये 8 qualities होनी चाहिए, तब आप लीडरशिप का निखार करेंगे, सभी प्रशिक्षण और सम्मेलनों में आप भाग लें जिससे कि आपके अंदर एनर्जी प्राप्त हो, दैनिक आधार पर सीखना और आत्म विकास, कोशिश करने जाने सीखें, इच्छा जिम्मेदारी लें, सिस्टम का पालन करें, ये अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कैसे ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने नोटिस तैयार किए हुए हैं इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी होगा, बिगर नोटिस के काम नहीं चलता, आगे क्या करना है आपको, आगे देखिए बहुत अच्छे से रजिस्टर करें, यदि आप पहले से ही हैं नहीं तो आप आज हमें देख रहे हैं, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर करें, सत्यापन करें, यदि आपके पास पहले से नहीं है आप अपना वेरीफाई करें, अपने बैक आप इसको उपयोग करना सीखें, आपको बैक आप उस कैसे खोलना है, नहीं है तो आप ट्रेनिंग लें, जब तक आप ट्रेनिंग लें तब तक आपको सीख ना जाए, ठीक है, अपना शैक्षिक पैकेज चुनें, एक अच्छा सा पैकेज चुनें जिससे आपको उसमें शिक्षा अच्छे लेवल की मिल पाए, ठीक है, क्यों कि जितना बड़ा आपका शिक्षा का पैकेज होगा उतना बड़ा आपके पास ज्ञान होगा, उतने बड़े आपको मेंटर आएंगे सिखाने के लिए। चलिए और क्या गया, अपनी जो है संपर्क सूची बनाएं, एक कम से कम 100 लोगों की यदि आप कर सकते हैं तो, उन शीर्ष 10 लोगों को पहचाने जिन्हें आप फोन करते हैं और संबंध बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, एक बैठक ऑनलाइन में 5 लोगों को आमंत्रित करें, जैसे मैं जो मीटिंग कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल लेवल की, आप भी अपनी इस तरीके की मीटिंग कर सकते हैं और उनमें 5 से 10 लोग हो सकते हैं, उनको आप व्यक्तिगत कर सकते हैं, अपने संग्रह जो है प्रायोजक के साथ एक प्रस्तुति करें, जो आपका मेंटर है उसके साथ आप अपनी एक मीटिंग बैठक बनाएं और उसमें आप लोगों को लेके लोगों को अपडेट कराएं, फ्रेश बुक्स आई ईयर और आई ईयर जो टाइम किताब, मतलब कहने का मतलब है MLCI से रिलेटेड में आपको किताब पढ़नी है, कैसे हमें ग्रोथ करना है, ये आपको ये सारी चीजें आपको समझने की आवश्यकता है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग में ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलती हैं अगर आप बैक ऑफिस पर काम करना जानते हैं तो। थैंक यू, अगली स्लाइड पे हम बहुत जल्दी से चलते हैं, अभी हमारे जो वेबिनार होते हैं ये आप देख सकते हैं, 8 rule प्राइवेट इन्वेस्टर पे होता है, फाइनेंशियल प्लान, कैपिटलाइजेशन, व्हाट टू डू नेक्स्ट ऑर्डर, डू लाइव ड्रीम लाइव इन 3 महीने के अंदर आपको क्या, योर एक्शन नेक्स्ट स्टेप, यानी कि ये जो हमारा वेबिनार होता है ये टॉपिक है जी, हमारा जो टॉपिक चलता है ट्यूसडे यानी मंगलवार को, इस तरीके का हमारा जो वेबिनार्स होते हैं। और क्या है दोस्तों, अब हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने इतना हमें सुना, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आज, मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं, क्या आप लोग दोगे,
अगर दो अगर दो तो आप हमें प्लस बन करके बताइए तो मैं आपसे वादा लूं, प्लस बन करें, अगर आप प्लस बन करके हमें बताएंगे मैं वादा देने को तैयार हूं तो मैं आपसे वादा लेता हूं। और वादा वही कमेंट हमें दें, वही लोग हमारे से वादा करें जो लोग इसको निभा पाए। आपसे मैं एक वादा ये लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का रिप्लाई देने के लिए, मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, मेरा आपने जो हौसला बढ़ाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक वादा ये लेना चाहता हूं, आप कसम खा लीजिए कि मुझे अपने मंगलवार और बृहस्पतिवार के वेबिनार में 5 आदमियों को लेके आना है, क्या आप ला सकते हैं? आपने जो आपने आपने डायरेक्ट इनवाइट किए हैं आप उनसे वादा करिए कि आपको आना ही आना है, एनी हाउ पूरा हफ्ता आपके लिए छूट है, लेकिन 2 दिन आपकी छूट नहीं है। अगर मेरे साथ बिजनेस करना है, अगर आप सपने पूरे करने तो मेरे साथ आपको 2 घंटे देने हैं, और वो 2 घंटे आपको घर बैठ के देने हैं अपने घर में, लेकिन अपनी अटेंडेंस देनी है वेबिनार के अंदर, वेबिनार के अंदर। क्या आप लोग वादा करते हो? थैंक यू, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, आज का वेबिनार जो है बहुत जैसा भी रहा, आपको मैंने जो भी नॉलेज थी मैंने आपको दिया है, और कोशिश करूंगा अगली बार और एनर्जी के साथ आऊं और नई चीज लेके आऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें सहयोग करो, आप लोग यहाँ पे आओ, और जो लोग इस वेबिनार को हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है, वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं उनकी एक बार ट्रेनिंग लूंगा अपनी जूम मीटिंग के साथ, और मैं वादा कर रहा हूँ कि उन लोगों को मैं इस मंच पे लेके आ जाऊंगा। तो रैंक ध्यान रखें, रैंक आपकी होनी चाहिए कंसल्टेंट से ऊपर, है ना, कंसल्टेंट मिनिमम होनी चाहिए, और आपको हमारी कंपनी के मिशन और विजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको हमारी कंपनी का प्लान जो बिजनेस मॉडल प्लान है बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जो भी साथी हमारे साथ आना चाहते हैं मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं लगभग हर ग्रुप में हूँ, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके अपना नाम नंबर और अपनी रैंक देके और आप अपनी ट्रेनिंग देके और वेबिनार के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट स्टेप पे जो भी हमारे वेबिनार आ रहे हैं मैं वादा करता हूँ आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज का वेबिनार समाप्त ही मैं करता हूँ, और मैं चाहूँगा आप लोग जो है ऐसे दिल से हमारे सभी मेंटरों को सुने और हमारी सभी मीटिंग को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन, आपका जो रात्रि है शुभ हो, आप अपने प्रियजनों के साथ घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। ध्रुव जी आपके पास रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं यहां से मैं क्लोज करता हूं। सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक सभी बने रहे और बहुत ही अच्छा आज का एजुकेशन रहा, और इस एजुकेशन को लेकर के अपने टीम में उपयोग करेंगे। इसी तरीके से हम लोग फिर कभी मौका लेकर के आप सभी लीडर के लिए लाएंगे नए जानकारी के साथ में। आप लोग आज का यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं, ठीक है जबर जी, यहीं से क्लोज करता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।